आज हम डिस्कस करेंगे रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म्स। इसमें हम समझने की कोशिश करेंगे कि लाइफ को लगातार बढ़ाने के लिए, एक जीवन को लगातार सस्टेन रखने के लिए रिप्रोडक्शन की जरूरत पड़ती है। क्यों? इसका जवाब आप खुद भी दे सकते हैं। आप जानते हैं, कोई भी ऑर्गेनिज्म एक लंबे समय तक जीने के बाद उसकी एक मृत्यु, उसकी डेथ तय है। हर एक ऑर्गेनिज्म का एक डेफिनेट लाइफ स्पैन है। उसके बाद उससे आने वाले ऑफस्प्रिंग लाइफ को आगे की ओर ले जाते हैं। तो एक ऑर्गेनिज्म से आने वाले ऑफस्प्रिंग में जो जनरेशन टू जनरेशन जो लाइफ को आगे बढ़ाने की प्रोसेस होती है, वो कैसे पॉसिबल है? रिप्रोडक्शन के द्वारा पॉसिबल है। ये सारी चीजें हम ऑलरेडी अपने समाज में देखते हैं, अपने इर्द गिर्द देखते हैं, प्लांट्स में देखते हैं, लोअर एनिमल्स में देखते हैं, ह्यूमन बीइंग्स में देखते हैं। तो इसीलिए एक साइंटिफिक डिफिनेशन, हर एक टर्म्स का पता होना जरूरी है, और उसके बाद हम देखेंगे कि रिप्रोडक्शन की कितनी डाइवर्सिटी हमारे नेचर में अवेलेबल है, हमारे नेचर में किस तरीके से ऑर्गेनिज्म अपने आप अपने लाइफ को लगातार सस्टेन रखने के लिए, लाइफ का मतलब ये कि लाइफ के प्रोसेस को, लाइफ नहीं क्योंकि मृत्यु तो श्योर है, डेथ होना श्योर है, लेकिन उस लाइफ की प्रोसेस लगातार सस्टेन रहे, उसके लिए रिप्रोडक्शन बेहद आवश्यक है। तो रिप्रोडक्शन क्या है? व्हाट इज रिप्रोडक्शन? रिप्रोडक्शन इज द बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच इंडिविजुअल गिव्स राइज टू एन ऑफस्प्रिंग सिमिलर टू इटसेल्फ। तो क्या होता है? एक ऐसी प्रोसेस जिसमें कोई इंडिविजुअल अपने जैसे ऑफस्प्रिंग को जन्म देता है। किस लिए? ताकि लाइफ की प्रोसेस लगातार चलती रहे। इसमें मेन दो प्रोसेस होते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कुछ जगहों पर, यहां पर देखिए, मैंने बताया है कि रिप्रोडक्शन की जो प्रोसेस है वो टू टाइप्स की होती है। कुछ जगहों पर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखते हैं जो जनरली लोअर ऑर्गेनिज्म में होता है, और प्लांट्स में यह घटना देखी जाती है क्योंकि इसमें सिंपल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है, क्योंकि यहां पर सिंगल ऑर्गेनिज्म या वन ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व होता है। एक ऑर्गेनिज्म से ही लाइफ की सस्टेनेबिलिटी के लिए सिर्फ एक ऑर्गेनिज्म की आवश्यकता होती है, और इसमें वेरिएशन ज्यादा नहीं होते। मतलब क्या? जो जनरेशन के बाद, रिप्रोडक्शन के बाद मिलने वाले ऑफस्प्रिंग अपने पेरेंट्स के जैसे होते हैं हर तरीके से, इसलिए यहां पर क्लोन्स मिलते हैं, एग्जैक्टली अपने पेरेंट्स जैसे होते हैं। जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो दूसरी प्रोसेस है, इसमें टू ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व होते हैं, और यहां पर आप जानते हैं मियोसिस की पूरी प्रोसेस आप जानते हो, तो इसलिए आपको यह पता है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एग्जैक्टली होता क्या है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशंस मिलते हैं। जैसे हम अपने पेरेंट्स के जैसे तो हैं, लेकिन अपने पेरेंट्स की रेप्लिका नहीं है। बात समझ रहे हैं? हम अपने पेरेंट्स की रेप्लिका नहीं है। क्यों नहीं रेप्लिका है? क्योंकि गैमेट्स के फॉर्मेशन के दौरान कुछ नए कॉम्बिनेशंस बने हैं, कुछ वेरिएशंस आए हैं, जिसकी वजह से हम अपने पेरेंट्स से थोड़े अलग हैं। थोड़े से अलग होने की ये प्रक्रिया ही आगे इवोल्यूशन को जन्म देती है। इस बात को हम इवोल्यूशन में डिस्कस करते हैं। इसलिए नेचर में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का अपना एक इंपॉर्टेंस है। इसे डिनाई नहीं किया जा सकता कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रोसेस ने ही इवोल्यूशन की प्रोसेस को आगे बढ़ाया। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आप मियोसिस को जब आप देखते हैं, तो आप देखते हैं ना, रिकॉम्बिनेशंस बनते हैं, क्रॉसिंग ओवर की प्रोसेस होती है। तो इस वजह से नए कॉम्बिनेशंस तैयार होते हैं जो इवोल्यूशन की ओर ले जाते हैं। हमारा जो पूरा ऑर्गेनिज्म का जितनी भी वैरायटीज हैं वो आगे की ओर बढ़ती जाती हैं, और उसमें नए नए कॉम्बिनेशंस तैयार होते हैं। तो ये रिप्रोडक्शन की प्रोसेस, जिसके बारे में हमें इस टॉपिक में पूरी तरीके से डिस्कस करना है, ये क्यों जरूरी है? क्योंकि हम जानते हैं कि कोई भी लाइफ लगातार जिंदा नहीं रह सकता, कोई भी, क्योंकि एक निश्चित समय के बाद डेथ तय है। तो ये देख सकते हैं हम कि लाइफ स्पैन क्या होता है। लाइफ स्पैन क्या है? तो एक ऐसा पीरियड जो बर्थ से लेकर नेचुरल डेथ के बीच का होता है, और हम इस बारे में जानते भी हैं। इसके लिए कोई बहुत बड़ी चीज, बहुत मुश्किल चीज नहीं है। हम जानते हैं कि एवरी ऑर्गेनिज्म लिव्स फॉर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, कुछ निश्चित समय तक ही हम जीवित हैं। लाइफ स्पैन चाहे किसी की बहुत कम हो या बहुत लंबी हो, इससे मतलब नहीं है, लेकिन मृत्यु तय है, डेथ निश्चित है। तो इसलिए
एक डेथ के बाद आगे लाइफ कैसे जाएगी, उस प्रक्रिया को लगातार जारी रखने के लिए रिप्रोडक्शन की जरूरत होती है। आप समझ लीजिए एनसीईआरटी में काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि लाइफ स्पैन्स ऑफ ऑर्गेनिज्म्स आर नॉट कोरिलेटेड विद साइजेस। इस स्टेटमेंट पर क्वेश्चन बनेगा, बना है, तो इसलिए इस लाइन को आपको याद रखना होगा कि लाइफ स्पैन साइज से रिलेटेड नहीं है। क्रोज और पैरट के लाइफ स्पैन अलग अलग हैं, मैंगो और पीपल ट्री अलग अलग लाइफ स्पैन के हैं, तो इसलिए इन सारी चीजों को आपको समझना जरूरी है। जैसे एनसीईआरटी ने एक टेबल बनाया है, कुछ ऑर्गेनिज्म्स के लाइफ स्पैन को उसने बताया, कुछ को उसने वैकेंट छोड़ दिया है। मैंने उन सारी चीजों को भरने की कोशिश किया है, आपको हर एक ऑर्गेनिज्म के लाइफ स्पैन को समझाने की कोशिश की है। एलिफेंट की ही लाइफ स्पैन की बात करें तो 60 टू 90 ईयर्स होती है। रोज प्लांट की अगर हम बात करें तो 5 टू 7 ईयर्स होती है। डॉग की बात करते हैं तो ये 20 टू 50 ईयर्स तक हो सकती है। बटरफ्लाई, तितली की बात करें, बटरफ्लाई की बात करें तो वो कितनी होती है, 1 to 2 weeks होती है, 1 to 2 हफ्ते तक ही की और बटरफ्लाई का प्लान बटरफ्लाई का लाइफ स्पैन होता है। क्रो की बात करें तो ये 15 ईयर्स तक इसका लाइफ है। बैनियन बनाना ट्री की बात करें तो 25 ईयर्स तक। काउ 20 टू 25 ईयर्स तक इनका लाइफ स्पैन होता है। पैरट का 140 ईयर्स। आपको याद रखना होगा, कारण ये है कि चूंकि एनसीईआरटी ने इस टेबल को देखा है, दिया है और उसमें क्वेश्चन फ्रेम किए हैं, तो पॉसिबल है कि इस डेटा पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो इसमें जो डेटा एक जैसे मिलते जुलते हैं उनको आप किसी ट्रिक से आप याद करने की कोशिश करें, क्योंकि एनसीईआरटी में लिमिटेड इंफॉर्मेशन है और उसी पर बेस्ड वो क्वेश्चन पूछते हैं। इसलिए ये टेबल आपको समझना, अगर नहीं समझ में आता है तो ठीक है, आप इसको याद करना तो बेहद आवश्यक है। क्रोकोडाइल की बात करें तो ये 60 ईयर तक इसकी लाइफ स्पैन होती है। हॉर्स भी 60 ईयर तक है। फ्रूट फ्लाई 30 ईयर्स। राइस प्लांट 3 to 4 months। टॉर्टॉइस 100 to 150 ईयर्स तक जीवित रहते हैं। बैनियन ट्री 200 ईयर्स तक जीवित रहते हैं। तो इस तरीके से हमने देखा कि एक लाइफ स्पैन क्या होती है और उसके बाद डेथ क्या होता है, और डेथ के बाद लाइफ को लगातार सस्टेन रखने के लिए रिप्रोडक्शन की जरूरत होती है, जिसमें दो प्रोसेस होती है। एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसमें सिंगल पेरेंट की जरूरत पड़ती है, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में टू पेरेंट्स की जरूरत होती है। हायर ऑर्गेनिज्म में नेचर ने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को प्रमोट किया क्योंकि इसमें नए कॉम्बिनेशंस की गुंजाइश होती है। ये मियोसिस की प्रोसेस के दौरान आपने देखा है, आपने समझा है। तो ये हमारा इंट्रोडक्टरी पार्ट है हमारा इस टॉपिक का। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसमें ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करने के लिए, यानी जो नेक्स्ट जनरेशन है उसको प्रोड्यूस करने के लिए सिंगल पेरेंट्स की जरूरत पड़ती है। सिंगल पेरेंट की, पेरेंट्स की नहीं, पेरेंट की जरूरत पड़ती है। इसलिए यहां पर क्या है, किसी भी तरीके के जेनेटिक रिकॉम्बिनेशंस की गुंजाइश लगभग ना के बराबर होती है। अगर म्यूटेशन होता है तो ही कोई जेनेटिक कॉम्बिनेशन में चेंजेस की होने की गुंजाइश हो सकती है, वरना इसमें नेक्स्ट जनरेशन अपने प्रीवियस जनरेशन के जैसा ही होता है। बात समझिए, इसमें जो ऑफस्प्रिंग होते हैं वो एग्जैक्टली अपने पेरेंट के जैसे होते हैं, इवन जेनेटिकली और मॉर्फोलॉजिकली दोनों तरीके से वो अपने पेरेंट के जैसे होते हैं। इसीलिए यहां पर ऑफस्प्रिंग के लिए एक स्पेशल टर्म क्लोन यूज किया जा सकता है। क्लोन इन्हें कहा जाना चाहिए जो ऑफस्प्रिंग होते हैं, क्योंकि कार्बन कॉपी ऑफ सिंगल पेरेंट, जो भी पेरेंट जिससे बने हैं उसके जैसे होते हैं। अब बात करते हैं कि ये कितने तरीके से हो सकते हैं। ओवरऑल जो लोअर लाइफ है और प्लांट्स में हम देखते हैं इस तरीके के रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है लोअर ऑर्गेनिज्म और प्लांट्स में देखा जाता है। ये कितने तरीके से हो सकता है, चलिए उसको देखते हैं। डाइवर्सिटी नेचर में कितनी है उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो ये देखा गया है कि ये बडिंग के टाइप का हो सकता है, जो कि यीस्ट में देखा जाता है। इसमें डॉटर ऑर्गेनिज्म एक स्मॉल बड के रूप में ग्रो करता है। बडिंग, अब बात समझिए, इसका एक टाइप है बडिंग। बडिंग में क्या होता है, जिसको आप यीस्ट में देखते हैं। यहां पर देखिए, मैंने ये यीस्ट का एग्जांपल लिया है। यीस्ट के एग्जांपल में आप देखेंगे एक वैक्यूल है और यहां पर एक न्यूक्लियस है। इसमें डॉटर ऑर्गेनिज्म एक बड के रूप में यहां पर उभरता है
एक डॉटर ऑर्गेनिज्म को जब ये प्रोड्यूस करना होता है, इसको जब रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करना होता है, तो एक बडिंग एक बड डेवलप होता है और इसका न्यूक्लियस, आप देखिए यहाँ पर न्यूक्लियस जो है ये अपनी रेप्लिका तैयार करता है, ये डिवाइड करता है और थोड़ी देर बाद एक न्यूक्लियस यहाँ पर चला जाता है, जिसको मैंने यहाँ पर शो किया है, न्यूक्लियस यहाँ चला गया और उसके बाद ये डिटैच हो जाता है, ये डिटैच होकर के दो यीस्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इस तरीके से एक से दो यीस्ट बनने की प्रक्रिया बडिंग है, आप जानते हैं बचपन से पढ़ते आए होंगे। इसी तरीके से अगली हमारी प्रक्रिया है बाइनरी फिशन, बाइनरी फिशन मल्टीपल फिशन भी होता है, तो जिसमें मल्टीपल कॉपीज बनते हैं। यहां पर हम बाइनरी फिशन की बात कर रहे हैं जो कि अमीबा में होता है। इसमें पैरेंट बॉडी जो है दो हाफ्स में डिवाइड होती है, पैरेंट बॉडी दो हाफ्स में डिवाइड होती है। आप देखिए यहां पर हमने लिया, सिर्फ यहीं पर आप जूम करिएगा, यहां पर पैरेंट सेल क्या करता है, एक अपने साइज में थोड़ा बड़ा होता है और इसका न्यूक्लियस डिवाइड करता है, माइटोटिकली इसका न्यूक्लियस डिवाइड करता है, माइटोसिस के द्वारा इसका न्यूक्लियस डिवाइड करता है और बीच में कॉन्स्ट्रिक्शन डेवलप होता है। आप देख सकते हैं यहां पर कॉन्स्ट्रिक्शन एक डेवलप होता है और ये दोनों न्यूक्लियस अलग हो जाते हैं और बाद में इनका साइटोप्लाज्म भी अलग हो जाता है और इस तरीके से दो डॉटर सेल्स बन जाते हैं। तो आपने बाइनरी फिशन देखा, ऐसे मल्टीपल फिशन होते हैं जिसमें बहुत बड़ी संख्या में रेप्लिका या जो सेल्स हैं या जो ऑफस्प्रिंग्स हैं वो तैयार होते हैं। अब इसके बाद बात आती है जू स्पोर्स की। जू जू स्पोर्स में मूविंग स्पोर्स क्या होता है, मूविंग स्पोर्स ये क्लेमाइडो मोनास में देखा जाता है। ये जू जू मीन्स मूविंग स्पोर्स, मूविंग स्पोर्स जो कि कहां देखा जाता है, क्लेमाइडो मोनास में। ये एक माइक्रोस्कोपिक मोटाइल स्ट्रक्चर है, मोटाइल स्ट्रक्चर है। यहां पर आप इसको सिर्फ यहीं तक आप यहां फोकस करिए, आप जू स्पोर्स को हम दिखाना चाहते हैं जो कि क्लेमाइडोमोनास में है, सिर्फ यहीं तक आप इसी फ्रेम में देखेंगे तो आप समझ पाएंगे क्लेमाइडोमोनास में क्या होता है, जू स्पोर्स होते हैं। देखिए यहां पर फ्लैजला है जिसकी मदद से मूव करते हैं, ये कोई एक बाद में चल करके मेच्योर हो रहा है, मैं सिर्फ एक पर कंसंट्रेट कर रहा हूं, ये मेच्योर हो रहा है और अपने भीतर मल्टीपल कॉपीज बना रहा है। थोड़ी देर बाद इन पर फ्लैजला डेवलप होता है और ये इनकी वॉल टूट जाती है और उसके भीतर से दोबारा ये निकलते हैं। तो आप देख सकते हैं ये बने, फिर उसके बाद हर एक मेच्योर होता है अपने भीतर, फिर डिवाइड करता है और यहां से ये साइकिल लगातार चलती रहती है। तो जू स्पोर्स कहां बनते हैं, क्लेमाइडोमोनास में। एनसीईआरटी ने दिया है इसलिए मैच इन द कॉलम दे सकता है, कैसे भी ये कई एग्जाम्पल्स बना करके आपसे इस पर सवाल पूछे जा सकते हैं। क्लेमाइडोमोनास में क्या होता है, जू स्पोर्स होते हैं, रट लीजिए। इसके बाद हम बात करेंगे कोनिडिया की। कोनिडिया, कोनिडिया क्या है, ये एक स्पेशल एसेक्सुअल स्ट्रक्चर है जो कि पेनिसिलियम में एक टाइप के फंगस में देखा जाता है। ये नॉन मोटाइल होता है, ये एक्सोजिनस स्पोर है जो चेन्स में पाया जाता है। तो आप देख सकते हैं यहां पर क्या है, ये पेनिसिलियम का स्ट्रक्चर दिखाया गया है जिसमें आप देखेंगे ये है इसका हाइफा, हाइफा के ऊपर एक कोनिडियो फोर्स, फोर्स मीन्स होता है जो इसको सपोर्ट करने वाला, कोनिडिया को सपोर्ट करने वाली स्ट्रक्चर है ये। इससे मल्टीपल चेन लाइक स्ट्रक्चर स्पोर्स यहां डेवलप हो रहे हैं, मल्टीपल चेन लाइक स्ट्रक्चर जो कि एक्सोजिनसली बाहर की ओर डेवलप होते जा रहे हैं, इनको हम क्या नाम देते हैं, कोनिडिया का नाम देते हैं। तो आप यहां पर ये जो स्ट्रक्चर, सिर्फ यहीं तक आप फोकस करेंगे, आप देखिए यहां पर मल्टीपल स्ट्रक्चर्स यहां पर डेवलप हो रहे हैं, एक्सोजिनसली डेवलप हो रहे हैं, ये कोनिडिया है। इसके बाद हम जेम्यूल्स पर आएंगे। जेम्यूल्स, जेम्यूल्स कहां पर होता है, ये स्पंजेस में देखने को मिलता है, स्पंजेस में जेम्यूल्स देखने को मिलते हैं। ये जेम्यूल्स कैसे होते हैं, इसको देखिए, यहां पर एक सैक लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसको जेम्यूल्स कहते हैं। इसके भीतर आउटर कवरिंग होती है जिसमें आप देखेंगे स्पिक्यूल कांटों की जैसे, स्पिक्यूल्स स्पाइक्स जैसे, कांटे के जैसे स्ट्रक्चर्स होती है स्पिक्यूल्स। इसके भीतर आर्कियोसाइट्स होते हैं, मल्टीपल स्पोर्स लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो कि फर्दर डेवलप होते हैं, तो ये मल्टीपल स्पंजेस को बनाने के लिए काम में आते हैं। अभी तक जितनी भी प्रक्रिया हमने पढ़ा वो या तो लोअर प्लांट से रिलेटेड थे या फंगस से रिलेटेड थे, है ना।
अभी तक जितनी भी प्रक्रिया हमने पढ़ा वो कहीं ना कहीं स्मॉल प्लांट्स या फंगस से रिलेटेड हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जितनी भी चीजें हमने डिस्कस किया है इसको आप एनसीईआरटी के साथ साथ आप थोड़ा गूगल इमेजेस में भी जाकर के आप देखेंगे तो थोड़ा नेचर की डाइवर्सिटी को आप ज्यादा आसानी से समझ पाएंगे। तो ये स्मॉल प्लांट्स और फंगस के भीतर इस तरीके की चीजें होती हैं। अगर हम प्लांट्स में बात करें कि प्लांट्स में किस तरीके से होगा, हायर प्लांट्स की खास तौर पे बात करें, लोअर प्लांट्स पे तो हम डिस्कस कर चुके हैं। हायर प्लांट्स में जब चलते हैं तो हायर प्लांट्स में रनर लाइक, राइजोम, सकर, ट्यूबर, ऑफसेट, बल्ब, इस तरीके के स्ट्रक्चर के द्वारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। एनसीईआरटी ने एग्जाम्पल नहीं दिया है लेकिन पूछा जा सकता है, तो इसलिए मैंने रनर के एग्जाम्पल के रूप में ग्लैडियोलस को लिया है। राइजोम का एग्जाम्पल जिंजर होगा, जिंजर के भीतर राइजोम एक वेजिटेटिव प्रोपगेशन की प्रोसेस होती है, मिंट के भीतर सकर एक प्रोसेस है वेजिटेटिव प्रोपगेशन की, पोटैटो के भीतर ट्यूबर, ऑफसेट ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसका नाम थोड़ा टफ था इसलिए लिखा नहीं, ओनियन बल्ब का है। तो जो ज़्यादा पूछने की गुंजाइश होती, जैसे मिंट पर एक बार सवाल आ चुका है, पुराने सिलेबस में था इसलिए मैंने आपको दिया। तो ये वेजिटेटिव प्रोपगेशन की जो प्रोसेस है बहुत फास्ट होती है, इस प्रोसेस के इतना फास्ट होता है कि कई बार ऑर्गेनिज्म हमारी उम्मीद से ज्यादा तेजी से ग्रो करते हैं। इसका एक एग्जांपल था जलकुंभी, जिसको हम कहते हैं हिंदी में, उसका नाम है वाटर हाइसेंथ। वाटर हाइसेंथ इसे भारत में, इंडिया में लाया गया। आप देखे होंगे, कभी आप देखे होंगे, ये बड़ी ही खूबसूरत, अगर आप इसको वैसे इंडिविजुअली अगर आप देखेंगे तो इसकी लीव्स बड़ी खूबसूरत होती हैं, इसके जो फ्लावर्स होते हैं वो ये वायलेट कलर के बड़े ही खूबसूरत इसके फ्लावर्स होते हैं, देखने में बहुत अच्छे लगते हैं। लेकिन जब इंडिया में इसको इंट्रोड्यूस किया गया तो उस समय टारगेट ये था कि ये हमारे पॉन्ड्स को ब्यूटी देंगे, लेकिन इन्होंने क्या किया, इतनी फास्ट इनका प्रोपेगेशन था, इतनी तेजी से ये वेजिटेटिवली प्रोपेगेट करते थे कि पूरे के पूरे पॉन्ड को घेर लेते थे और वहां की पूरी ऑक्सीजन की सोर्स को डिस्टर्ब करते थे, जिसकी वजह से मछलियां और दूसरे जो लाइफ थे वो जिंदा, उनका लाइफ सस्टेन हो पाना पॉसिबल नहीं था। तो इस तरीके से उन्होंने पॉन्ड्स की जो इकोसिस्टम है उसको उसने डिस्टर्ब किया। तो ये एक तरीके से क्या माना गया, बाद में चल करके टेरर ऑफ बंगाल माना गया। तो ये वेजिटेटिव प्रोपेगेशन इतना फास्ट करता था वाटर हाइसेंथ कि इसको टेरर ऑफ बंगाल माना गया। ये स्टैंडिंग वाटर में बहुत ही खतरनाक, अब इसको इन्वेसिव वीड माना गया है, जो कि पहले ब्यूटी के लिए इंडिया में लाया गया था। तो ये टेरर ऑफ बंगाल, इसको आपको समझना होगा। एल्गी एंड फंजाई के बारे में एक बात कहा जाता है कि एल्गी और फंजाई जो लोअर जो प्लांट्स और जो फंगस हैं, ये यानी जो लोअर लाइफ है वो नॉर्मली फेवरेबल कंडीशन में एसेक्सुअली ही रिप्रोड्यूस करने की ज्यादा टेंडेंसी रखते हैं। मतलब ये जो लोअर लाइफ है, लोअर ऑर्गेनिज्म है, वो एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन को ज्यादा प्रीफर करते हैं। इनका कॉमन मोड एल्गी और फंजाई का फेवरेबल कंडीशंस की जब हम बात करते हैं कॉमन मोड ऑफ रिप्रोडक्शन क्या होता है, आप बताइए, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। लेकिन अगर अनफेवरेबल कंडीशन हो जाए तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा अपने आप को रिप्रोड्यूस करते हैं, अपनी जनरेशन को सस्टेन रखने की कोशिश करते हैं। तो इस चीज को हमने अलग अलग तरीके से समझा। इस वीडियो में हम लोगों ने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप को समझा है। अभी हम इस पर कुछ प्रॉब्लम्स सॉल्व करेंगे, देखेंगे कि किस तरीके से क्वेश्चन फ्रेम किया जा सकता है और उसके बाद हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को और बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। मैंने आपको बताया कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ज्यादा जेनेटिक वेरिएशंस की गुंजाइश नहीं होती है। आमतौर पर जो ऑफस्प्रिंग होता है वो अपने पेरेंट के जैसा मॉर्फोलॉजिकली और जेनेटिकली दोनों तरीके से अपने पेरेंट के जैसा ही होता है, तो इसलिए इन्हें हम क्लोन्स भी कह सकते हैं। चलिए कुछ प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। जो हमने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रोसेस को जो समझा है उसकी कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं। पोटैटो का ट्यूबर, आपको मैंने पहले डिस्कस किया था कि कुछ प्लांट्स में वेजिटेटिव प्रोपेगेशन की कुछ स्पेशल प्रोसेस होती है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक स्पेशल तरीके होते हैं। तो पोटैटो एक अंडरग्राउंड, पोटैटो का जो ट्यूबर जो होता है वो अंडरग्राउंड स्टेम है जिसमें फूड स्टोर्ड होता है। तो इसमें क्या होते हैं, कुछ बर्ड्स निकलते हैं, वो जिसको आप आईज समझते हैं, तो वहां से
प्लांटलेट्स निकलते हैं आगे चल करके, तो पोटैटो का ये जो ट्यूबर जो है ये वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का एक तरीका होता है जिसके द्वारा पोटैटो में आईज या बर्ड्स निकलते हैं और वहाँ से प्लांट्स का डेवलपमेंट होता है, वहाँ से स्टेम और लीव, स्टेम और रूट्स दोनों ही डेवलप हो सकते हैं इसकी आईज से। इसी तरीके से हम बात करते हैं अगर जिंजर और बनाना की, तो ये भी अंडरग्राउंड स्टेम का एक मॉडिफिकेशन है जो राइजोम कहलाता है इसमें। तो यहाँ पर क्या है कि ये भी एक मॉडिफाइड स्टेम है जिसके नोड से प्लांटलेट्स निकलते हैं। तो आमतौर पे आप समझिए नोड्स ही वो पॉइंट्स होता है जहाँ से प्लांटलेट्स या रूट्स या स्टेम बनने की गुंजाइश होती है। कभी भी इंटर नोड से, यानी जो आप प्लांट्स में जो आप देखते हैं ये नोड्स, वहाँ से तो रूट्स या स्टेम के डेवलप होने की गुंजाइश होती है, ये रूट्स या स्टेम की डेवलप होने की गुंजाइश मिलती है, लेकिन बीच का ये जो इंटरनोडल जो जोन्स है यहाँ पर ऐसी कोई गुंजाइश नहीं देखी जाती है। तो नोड्स ही वो पॉइंट है जहाँ पर होता है ब्रायोफिल्लम। इसमें क्या होता है, ब्रायोफिल्लम के लीव्स की अगर हम बात करें तो क्या होता है, ब्रायोफिल्लम के लीव्स में इसकी एक स्पेशल करेक्टरिस्टिक्स होती हैं कि इसके मार्जिन ऑफ लीव्स पर क्या होते हैं, एडवेंटिशियस बड डेवलप होते हैं। इसके मार्जिन्स पर, इसके लीव्स के मार्जिन्स पर एडवेंटिशियस बड डेवलप होते हैं और वहां से प्लांटलेट्स आगे चल करके डेवलप होते हैं, यानी प्लांट्स के छोटे छोटे फॉर्म वहां डेवलप होते हैं। तो ये क्या होता है, ब्रायोफिल्लम के लीव्स पर, इसके मार्जिन्स पर, लीव्स के मार्जिन पर जो नॉचेस होती हैं वहां पर क्या डेवलप होता है, एडवेंटिशियस बड डेवलप होते हैं। तो ये तीन इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल जिसके बारे में एनसीईआरटी ने जिक्र किया है, इस पर बेस्ड आपको थोड़ी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए और इससे रिलेटेड जो इमेजेस हैं उसको आप गूगल पर देख लीजिएगा, क्योंकि एनसीईआरटी जितने पॉइंट्स को आपसे जिस पर वो कहते हैं वहाँ तक तो सवाल ज़रूर आपसे पूछते हैं, तो इसलिए आपकी एक बेसिक समझ होनी चाहिए। जैसे अब एक सवाल यहाँ पर हम बना सकते हैं कि कॉलम को मैच कराइए कि स्पंजेस में किस तरीके का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो सकता है। तो हमने चर्चा किया था ज़िम्यूल्स को, हमने काफ़ी डिटेल में समझाया था, आप एक बार रिवाइज करिए, रिकॉल करिए। यीस्ट में हमने क्या बात किया था, यीस्ट में हमने बात किया था बडिंग का। पोटैटो अभी हमने डिस्कस किया है, वहाँ पर क्या ट्यूबर है। वाटर हाइसेंथ जिसमें ऑफसेट है, तो ऑफसेट टाइप वाटर हाइसेंथ में होता है, उस समय मैंने लिखा नहीं था, सिर्फ इसलिए ताकि आप यहाँ पर समझ सकें, आप मैचिंग करा सकें। वाटर हाइसेंथ को हम क्या कहते हैं, टेरर ऑफ बंगाल कहते हैं, ये बात भी हमने लास्ट जो हमारा लेक्चर था उसमें हमने डिस्कस किया है। अब यहाँ पर एक स्टेटमेंट है जिसमें कहा गया है कि कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जो कि वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स के लिए सही नहीं है, या जो वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स के लिए या वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के लिए सही नहीं माना जा सकता है, वो कौन सा स्टेटमेंट हो सकता है। तो ये कह रहे हैं कि पोटैटो ट्यूबर में आईज देखी जाए, क्या ये स्टेटमेंट सही है, बिल्कुल सही है, उसमें आईज होती हैं। आईज का मतलब ये होता है नोट्स पर, उसके नोट्स पर क्या जो बडिंग जो होती है, जो प्लांटलेट डेवलप होते हैं, तो वो आईज वो रीजन होता है पोटैटो ट्यूबर में। अब ये कह रहे हैं कि मिडिल पीस ऑफ शुगर केन इंटरनोड, क्या ये स्टेटमेंट सही है, वहां से ये जानना चाह रहे हैं कि क्या ये जो मिडिल पीस शुगर केन इंटरनोड है ये क्या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का कोई माध्यम हो सकता है, बिल्कुल नहीं हो सकता है। मैंने अभी भी डिस्कस किया था कि जब कभी भी डेवलप होना होता है किसी भी प्लांट बॉडी को तो वो नोड से डेवलप होते हैं, वहीं से रूट्स और स्टेम्स बनने की गुंजाइश होती है। मिडिल पीस ऑफ शुगर केन इंटरनोड से किसी भी तरीके का आप सक्सेस नहीं पा सकते हैं या वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में, ये स्टेटमेंट गलत है। तीसरा क्या है, जिंजर का राइजोम के पीस को लेकर के क्या आप वेजिटेटिव प्रोपेगेशन करा सकते हैं, बिल्कुल करा सकते हैं। जिंजर ही नहीं बनाना में भी ऐसा आप कर सकते हैं, ये क्या है मॉडिफाइड स्टेम है, ये बात आपको पता होना चाहिए। फिर ये कह रहे हैं कि क्या ब्रायोफिल्लम के मार्जिनल लीव्स को लेकर के क्या वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कराया सकता है, बिल्कुल कराया जा सकता है, इस बारे में हमने डिस्कस किया है। तो एनसीईआरटी ने इन सभी को कोर एग्जांपल्स के रूप में लिया है। आगे हम कुछ मिक्स्ड क्वेश्चंस भी नेक्स्ट अभी हम सॉल्व करेंगे, उससे पहले चलिए देखते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के को समझने की कोशिश करते हैं और उसके डिफरेंट फेजेस को समझने की कोशिश करते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें मेल और फीमेल गैमेट के बीच में फ्यूजन होता है। अब सवाल यह है कि मेल और फीमेल गैमेट कैसे बनते हैं, कहां से बनते हैं, ये सारी चीजें अब हम
इन्हीं सारी बातों पर हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे, यहाँ देखने की कोशिश करेंगे कि मेल और फीमेल गैमेट्स कैसे बनते हैं और किस तरीके से फ्यूज होते हैं, उस चीज को भी हम यहीं पर डिस्कस करेंगे। तो यहां पर फ्यूजन होता है मेल और फीमेल गैमेट्स का, और चूंकि मेल और फीमेल गैमेट्स दोनों इन्वॉल्व होते हैं, उनके फ्यूजन से ऑफस्प्रिंग बनता है, इसलिए जो ऑफस्प्रिंग है वो अपने पेरेंट्स का सिमिलर नहीं होता, ये बात आप जानते हैं। और एक चीज है कि चाहे आप लोअर ऑर्गेनिज्म को देखिए, चाहे आप प्लांट लाइफ को देखिए, चाहे आप हायर एनिमल्स को देखिए, कहीं पर भी आप देखेंगे जहां कहीं भी लाइफ है और अगर वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहा है तो वहां पर एक सिमिलर पैटर्न आपको देखने को मिलेगा। भले ही ऊपर से आपको लगे ये लोअर ऑर्गेनिज्म है, ये प्लांट है, ये एनिमल लाइफ है, हायर एनिमल लाइफ है, लेकिन जो मोड ऑफ जो स्टेजेस होते हैं उसमें सभी एक जैसे चलते हैं। जैसे पहले जो भी रिप्रोडक्टिव जो ऑर्गन होगा उसके सेल्स अपनी संख्या बढ़ाते हैं, फिर मियोसिस करते हैं, मियोसिस करने के बाद जो बने हुए गैमेट्स होते हैं वो प्रॉपर एक दूसरे के करीब आते हैं, उसके बाद उनके बीच में फ्यूजन होता है, फ्यूजन से जाइगोट बनता है। तो ये मोटे तौर पर सभी की प्रक्रिया एक जैसी होती है। आप ह्यूमन बींग से इसको रिलेट करिए, फिर थोड़ा सा आप थोड़ा थोड़ा अंतर देखेंगे, हर किसी की जैसी लाइफ की जरूरत रही वैसे वैसे इसमें अंतर नेचर में मिलता गया, लेकिन मोटे तौर पर अगर हम कहें तो इसमें क्या होता है, मोटे तौर पर पूरी जो प्रक्रिया है वो लगभग एक जैसी होती है, चाहे वो लोअर लाइफ हो, प्लांट हो या एनिमल्स हो, सभी में सिमिलर पैटर्न ऑफ रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, हालांकि इसमें कुछ मॉडिफिकेशन भी है। आप देखेंगे कई जगहों पर क्या होगा, जायगोट बनने के बाद तुरंत मियोसिस कर लेगा, लेकिन हमारे लाइफ में क्या होता है, हमारे जीवन के दौरान क्या होता है, जायगोट बनने के बाद केवल और केवल माइटोसिस होता है। तो ये सब अंतर हैं, अंतर है, लेकिन इन जनरल जो फेजेस होते हैं, जो गुजरने की जो प्रोसेस होती है, लगभग ओवरऑल पूरे के पूरे लाइफ जहां भी एक्सिस्ट करता है वहां पर एक जैसा देखा गया है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पैटर्न। इसमें डिफरेंट फेजेस हैं, जैसे एक है जुवेनाइल फेज। जुवेनाइल फेज क्या है, यह वह पीरियड है जब प्लांट या कोई भी लाइफ अपने आप को स्टार्ट करता है, और बिफोर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से पहले, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से पहले तक का जो फेज है ये क्या कहलाता है, जुवेनाइल फेज कहलाता है। अब इसको जो एनसीईआरटी ने लिखा है उसको लगभग कुछ इस तरीके से लिखा है कि पीरियड ऑफ ग्रोथ एंड मैच्योरिटी, पीरियड ऑफ ग्रोथ एंड मैच्योरिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म बिफोर इट कैन रिप्रोड्यूस सेक्सुअली, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से पहले का जो पीरियड है जब वो ग्रोथ और मैच्योरिटी के साथ जब वो जाता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जस्ट पहले का जो ग्रोथ का और मैच्योरिटी का जो पीरियड है उसको हम क्या कहते हैं, जुवेनाइल फेज कहते हैं। अब इसमें भी कई तरीके के डिबेट्स हैं कि जो सेक्सुअली जो बार बार रिप्रोड्यूस करते रहते हैं, जैसे मैंगो का प्लांट है तो एक बार रिप्रोड्यूस किया फिर बीच में फिर वो ग्रोथ करता है फिर रिप्रोड्यूस करता है, तो वहां पर आप क्या कहेंगे बीच वाले फेज को। तो ये इस तरीके के डिबेट्स चलते रहते हैं जो आपके माइंड को इस तरीके से और ओपन करने के लिए लिखा है एनसीईआरटी ने, ताकि आप और अच्छी तरीके से समझ सकें, लेकिन इसमें कोई बहुत ज़्यादा आपको हार्ड लाइन नहीं डेवलप करना है कि जुवेनाइल फेज यही होता है, लेकिन मोटे तौर पर आपको समझना है, एक जनरल कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग आपको समझना है कि जुवेनाइल फेज यही होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जस्ट पहले का, जितना भी आप टाइम देखते हैं किसी प्लांट को ग्रोथ करने का वो जुवेनाइल फेज कहलाता है। प्लांट्स में हम उसे वेजिटेटिव फेज कहते हैं, प्लांट्स के लिए जुवेनाइल फेज का दूसरा नाम वेजिटेटिव फेज है। इसके बाद आता है रिप्रोडक्टिव फेज। रिप्रोडक्टिव फेज में क्या होता है, रिप्रोडक्टिव फेज वो है जिसमें ऑर्गेनिज्म लगातार गैमेट्स बना करके रिप्रोडक्शन करता है, रिप्रोडक्शन करता है। इस प्रक्रिया को आप हायर प्लांट्स में देखते हैं और बहुत आसानी से हायर प्लांट्स में देख सकते हैं, जब उनका रिप्रोडक्टिव फेज आता है तो उस दौरान वो फ्लावरिंग करते हैं। आप देखते होंगे फ्लावर्स जब उगते हैं तो फ्लावरिंग आपको खुशियां देता है, लेकिन इनडायरेक्टली प्लांट की लाइफ के लिए, प्लांट की लाइफ से अगर आप फ्लावरिंग का रिलेशन देखें तो प्लांट की लाइफ में फ्लावरिंग का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस ये है कि वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रोसेस में उसका एक इंपॉर्टेंस होता है। आगे चल करके हम देखेंगे कि किस तरीके से पॉलेंस फीमेल का जो फीमेल रिसेप्टिकल है वहाँ पर जाकर किस तरीके से ड्रॉप होगा, क्या होगा, कैसे फ्लावर्स के भीतर अलग अलग तरीके की मैकेनिज्म होती है, और ये जो फ्लावरिंग जो है हायर प्लांट्स में आप देखते हैं वो सीधे तौर पर रिप्रोडक्टिव फेज का बहुत ही आसान तरीका है जिसमें आप देख सकते हैं उसको। कुछ प्लांट्स जो है उनमें फ्लावरिंग
का बहुत ही असामान्य घटनाएं देखी गई हैं, अनयूजुअल फ्लावरिंग फेनोमेनन्स देखे गए। जैसे बम्बू का जो प्लांट है, बैम्बू प्लांट, वो पूरी जिंदगी में सिर्फ एक बार फ्लावरिंग करता है, पूरी लाइफ में सिर्फ एक बार। वैसे ही नेचर में बहुत तरीके के वेरिएशंस हैं। स्ट्रोबिलेंथस, स्ट्रोबायलेंथस कुंतियाना, जिसको हम नीली नीला कुरंजी कहते हैं, ये करीब 12 ईयर्स में केवल एक बार ये क्या करता है, इसमें फ्लावरिंग आता है। तो स्ट्रोबिलेंथस, स्ट्रोबिलेंथस कुंतियाना में, या जिसको नीला कुरंजी कहते हैं, इसमें क्या होता है, 12 ईयर्स में एक बार सिर्फ फ्लावरिंग होता है। जबकि आप वैसे देखते होंगे तो बहुत सारे ऐसे हैं जो पूरे के पूरे साल भर फ्लावरिंग करते रहते हैं, कुछ में सीजनल वेरिएशंस होते हैं, कुछ ऐसे हैं जो लगातार पूरी होल ईयर उनमें फ्लावरिंग होती है। लेकिन बम्बू और नीला कुरंजी जो है, ये कुरंजी एक ऐसा एग्जाम्पल है जो कि अपने रिप्रोडक्टिव जो इसका फेज है उसमें बड़े ही अनयूजुअल फेनोमेनन्स देखने को मिलते हैं। तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एनसीईआरटी इस पर सवाल आपसे पूछ सकते हैं। एनिमल्स में देखें तो एनिमल्स में भी बहुत अलग अलग तरीके के प्रोसेस है। आप देखते होंगे जो प्राइमेट से जो पहले वाले हैं, जो एग लेइंग मैमल्स हैं, तो वो क्या करते हैं, अंडे देते हैं, एग प्रोड्यूस करते हैं, जिसके द्वारा वो क्या कहते हैं, फर्टिलाइज्ड एग होता है। अब होता क्या है कि एग भी प्रोड्यूस करने की जो प्रोसेस है वो थ्रू आउट ईयर एक जैसी नहीं होती है। क्या होता है, एक प्रॉपर सीजन में ही एग लेइंग होता है। लेकिन अब हमने क्या किया, हमें पता है कि जिस सीजन में जैसी कंडीशन चाहिए वैसी कंडीशन हम प्रोवाइड करके हम देखते हैं बर्ड से या फिर हम इस तरीके के ऑर्गेनिज्म से, एनिमल लाइफ से, हम क्या करते हैं, एग्स को हम रिलीज़ कराते हैं। आपने देखा होगा मुर्गियों में, पोल्ट्री फार्म्स में क्या होता है, टेम्परेचर का एक प्रॉपर सेटिंग दे करके उनसे पूरे साल एग्स का प्रोडक्शन कराया जाता है। ऐसे ही फ्लावरिंग की जब हम बात करते हैं तो कुछ जो सीजनल फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, इसमें जब पता चलता है कि उन्हें टेम्परेचर और जो डे लाइट का जो ड्यूरेशन है वो जब मिल एक प्रॉपर मिलना चाहिए तभी वो फ्लावरिंग करते हैं। तो अगर आप आर्टिफिशियली वो टेम्परेचर और डे लाइट की जो और डे लाइट की जो जो रोशनी का जो एक टाइम पीरियड होता है, अगर आप कुछ फ्लावरिंग प्लांट्स को उतने समय तक देते हैं तो आप अनयूजुअल फेनोमेनन्स देख सकते हैं। मतलब आप देख सकते हैं आर्टिफिशियली भी जो प्लांट्स जिस सीजन में नहीं फ्लावर कर सकती है, फ्लावरिंग उसमें नहीं संभव, वो भी फ्लावरिंग कर सकती है। मेरी बात समझ पा रहे हैं? देखिए पोल्ट्री फार्म में क्या होता है, पूरे साल आप देखते हैं वो एग्स रिलीज करते हैं, वैसी प्रोसेस नेचुरली पॉसिबल नहीं होती। तो हमने क्या देखा कि वहाँ पर हमें पता है कि इतना टेम्परेचर अगर हम देते हैं तो वो अपने एग्स रिलीज करेंगे। ऐसे प्लांट्स के लाइफ में भी होता है। आप देखते होंगे कि जो ये रोज़ के जो फ्लावर्स हैं वो जाड़े में ही क्यों उगते हैं, क्योंकि उनको एक पर्टिकुलर टेम्परेचर और डे लाइट की जो है एक लेंथ चाहिए, उस डे लाइट के लेंथ में ही वो फ्लावरिंग करने के लिए उनकी एडेप्टिबिलिटी होती है। तो अगर आप आर्टिफिशियली देंगे तो एडेप्ट वो हो सकता है उसमें फ्लावरिंग। ऐसे आपने देखा होगा ग्रीन हाउस बना करके हाई टेम्परेचर पर उगने वाले प्लांट्स को हम अपने नॉर्मल कंडीशंस में हम उन्हें उगा लेते हैं। तो होता क्या है सारा खेल कि ये फ्लावरिंग का जो भी कंडीशन है, नेचर की एडेप्टिबिलिटी है रिप्रोडक्शन की, तो वो सारी चीज़ें एनसीईआरटी ने कुछ टर्म्स बोला है, तो वो एक एडेप्टेशन है, क्योंकि उस कंडीशन में उसको अडेप्ट करने के लिए उस तरीके के फ्लावरिंग की या फिर एग लेइंग कंडीशंस दी गई हैं। अब यहाँ पर हम बात करें नॉन प्राइमेट्स और प्राइमेट्स की, तो नॉन प्राइमेट्स में एस्ट्रस साइकिल होता है, जिसमें वो एस्ट्रस साइकिल और प्राइमेट्स जो एप्स और मंकीज और जो हमारी लाइफ है ह्यूमन बीइंग में क्या होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है। तो क्या होता है, एस्ट्रस साइकिल एक प्रॉपर साइकिल है जो विशेष सीजन में ही चलता है, जबकि हमारे भीतर क्या होता है ह्यूमन लाइफ में या एप्स में क्या होता है, इसमें जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है वो होल ईयर चलती है, पूरे साल क्या होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल चलती रहती है। तो इस एस्ट्रस साइकिल जिसमें एक पर्टिकुलर फेज में ही वो रिप्रोडक्शन के लिए कैपेबल होते हैं, और ह्यूमन पूरे के पूरे साल में कभी भी उनमें रिप्रोडक्शन हो सकता है, और रिप्रोडक्शन के कारण एक मतलब आने वाले ऑफस्प्रिंग की गुंजाइश होती है, कभी भी कोई प्रेग्नेंट हो सकता है ह्यूमन लाइफ में। लेकिन एस्ट्रस साइकिल में क्या होता है, एक पर्टिकुलर सीजन में ही ये
डेफिनेट सीजन में ही वो चीज़ें पॉसिबल होती हैं, टाइम पीरियड उसका फिक्स होता है। तो ऑस्ट्रस साइकिल हो चाहे मेंस्ट्रुअल साइकिल हो, उसमें क्या होता है, हार्मोन्स की जो बैलेंसिंग होती है वो चेंज होती रहती है, उसमें हार्मोन्स का लेवल फ्लैक्चुएट करता है, उसमें एक फिजियोलॉजिकल एक कुछ घटनाएँ घटती हैं जिसके बारे में हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन में डिस्कस करते हैं, कैसे होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल की घटनाएँ। तो वो सारी चीज़ें हैं, आपको बस इतना समझना है कि एग लेइंग मैमल्स हैं जो भी सेक्शुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, उनका अपना एक सीजनल टाइम होता है, एक प्रॉपर टाइम होता है। ऐसे नॉन प्राइमेट्स में भी एस्ट्रस साइकिल होता है जिनका अपना एक फिक्स और डेफिनेट टाइम होता है। इसी तरीके से हम प्राइमेट्स की जब हम बात करते हैं तो इसमें एक एडवांसमेंट है कि वो कभी भी अपने आप को सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सक्सेसफुल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा वो क्या कर सकते हैं, नई जनरेशन डेवलप कर सकते हैं। तो ये चीज़ें नेचर में है। अब एक चीज़ देखा गया है कि लाइफ के तीन फेजेस हैं, एक तो जुवेनाइल फेज, दूसरा रिप्रोडक्टिव फेज जिसमें वो अपनी संख्या बढ़ाने की कोशिश करते हैं, और एक लिमिट ऐसी आती है कि जिसको हम सेनेसेंट फेज कहते हैं, बुढ़ापे की अवस्था कहते हैं। वो कब मानी जाती है, तो आइडियली सेनेसेंट फेज तब माना जाता है जब सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव जो फेज है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो फेज है वो जब खत्म हो जाता है तो क्या होता है, सेनेसेंट फेज स्टार्ट होता है। सेनेसेंट फेज के बाद ये माना जाता है कि अब वो लाइफ जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर रही थी, अब वो धीरे धीरे समाप्ति की ओर है, उसकी डेथ होने वाली है, और उसने अपना जीवन अपने ऑफस्प्रिंग को दे दिया, अब वो धीरे धीरे जुवेनाइल और रिप्रोडक्टिव फेज में जाएगा। तो इस तरीके की प्रक्रियाएं होती हैं, ये है डिफरेंट फेजेस, कौन कौन से, जुवेनाइल और रिप्रोडक्टिव और सेनेसेंट फेज। तो इतनी सारी चीज़ें हैं, बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना है, एनसीईआरटी ने चीज़ों को बहुत आगे पीछे करके दिए हुए हैं, हम उसको आराम आराम से समझेंगे तो भी हम बहुत अच्छे तरीके से इस पर कमांड बना सकते हैं। तो अब हम डिस्कस करेंगे इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान कौन कौन से इवेंट्स होते हैं, एक वो इवेंट जो फर्टिलाइजेशन से पहले होता है। फर्टिलाइजेशन मीन्स क्या, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स। तो फ्यूजन से जस्ट पहले की एक तैयारी, फ्यूजन को अगर हम कहें एक शादी का इवेंट तो कुछ वैसे समझ सकते हैं, शादी से पहले की तैयारी और शादी के बाद की तैयारी, यानी प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, और दूसरा होगा पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। तो प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स को हम इस टॉपिक में अभी हम डिटेल में चलेंगे, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, और थर्ड होता है इसमें पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, फर्टिलाइजेशन के बाद के क्या क्या इवेंट्स होते हैं, तो वो चीजें बाद में आएंगी। पहले हमारा टारगेट होगा फर्टिलाइजेशन से पहले, यानी प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स हमारा इस समय टारगेट होगा। इसमें हम देखने की कोशिश करेंगे वो सारे इवेंट जो कि गैमेट्स के फ्यूजन से जस्ट पहले के होते हैं, यानी गैमेट्स का फ्यूजन होने से पहले क्या क्या हो सकता है, सोचिए। तो इसमें हो सकता है कि गैमेट्स फ्यूज होने से पहले गैमेट्स को तैयार करना जरूरी होगा, यानी गैमेट्स को बनाना जरूरी होगा। तो इसलिए हमें पहला इसमें स्टेज समझना होगा प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में। पहली प्रोसेस जो हमें समझना होगा कि पहले तो जरूरी है गैमेट्स का बनना, जब गैमेट्स बन जाएंगे उसके बाद गैमेट्स को हम ट्रांसफर करेंगे। तो ये दो मेजर इवेंट्स इसमें आते हैं प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में, क्योंकि जब गैमेट्स बन जाएंगे तभी तो फ्यूज होंगे। फ्यूजन की प्रोसेस हम फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले गैमेट्स को बनाना और उस गैमेट को, मेल गैमेट को फीमेल तक पहुंचाना, ये गैमेट का ट्रांसफर कहलाता है। तो चलिए देखते हैं गैमेटोजेनेसिस कैसे होता है, इसकी मेजर प्रोसेस कैसे होती है। तो ये एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें मेल और फीमेल गैमेट को बनाने की प्रोसेस हम समझ सकते हैं इसको, कि इसमें मेल और फीमेल गैमेट्स कैसे बनते हैं। और आप समझ लीजिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बनने वाले जो गैमेट्स होते हैं वो हैप्लॉयड होते हैं, और अगर ये सिमिलर मॉर्फोलॉजी के अगर हैं, जैसा कि आप एल्गा में देखते हैं, एल्गी में जो आप देखते हैं एक जैसे दिखने वाले होते हैं, मॉर्फोलॉजिकली वो सिमिलर होते हैं, तो ऐसे गैमेट्स को हम आइसोगैमेट्स कहते हैं, जबकि हेट्रोगैमेट्स वहाँ कहते हैं जहाँ पर इनकी मॉर्फोलॉजी में डिफरेंस देखने को मिलता है। मॉर्फोलॉजी क्या होती है, डिफरेंट होती है, इसमें फीमेल बड़े साइज की होती है गैमेट, मेल गैमेट छोटे साइज का होता है। मेल गैमेट को एंथ्रोजॉइट्स कहते हैं, स्पर्म कहते हैं, जबकि फीमेल गैमेट को एग या ओवम कहते हैं। तो ये चीज़ें आपको समझ में आना चाहिए कि हेट्रोगैमेट्स क्या होता है, और आप कह सकते हैं कि हेट्रोगैमेट्स जो है इवोल्यूशनरी प्रोसेस में नेचर ने बाद में
इसको डेवलप किया, जिसमें एंथ्रोजॉइट्स या स्पर्म छोटे साइज के और बड़े साइज के एग या ओवम होते हैं। अब बात आती है कि मोनोइसियस प्लांट क्या हैं या होमोथैलिक प्लांट्स कौन से होते हैं। तो ऐसे प्लांट्स जिसमें जिसमें मेल और फीमेल गैमेट्स को बनाने के लिए जो यानी मेल और फीमेल गैमेट्स को बनाने वाले जो स्ट्रक्चर्स हैं या यूँ कह लें कि जो दोनों सेक्सेस हैं सेक्स बोथ सेक्सेस आर प्रेजेंट इन द सेम प्लांट तो वो क्या कहलाते हैं मोनो सिंगल सीएस है ना। तो सिमिलर एक ही प्लांट के भीतर दोनों ही सेक्सेस प्रेजेंट होते हैं तो उनको हम क्या कहते हैं मोनो सीएस प्लांट कहते हैं। ये हायर प्लांट्स जैसे इसमें कुकरबिट्स और कोकोनट को हम एग्जांपल के रूप में ले सकते हैं। और डायोसियस प्लांट या हेट्रोथैलिक प्लांट्स वो होते हैं जिनमें सेक्सेस जो होते हैं वो डिफरेंट प्लांट्स पर अवेलेबल होते हैं। डिफरेंट इंडिविजुअल प्लांट्स में आप देखने को पाएंगे जैसे कि मेल फ्लावर अलग प्लांट में मिलेगा, फीमेल फ्लावर अलग प्लांट में मिलेगा। तो ये चीज़ें आप देखते हैं पपाया और डेट पाम में पाते हैं। आपने पपाया का प्लांट देखा होगा, पपाया के प्लांट में क्या होता है एक मेल प्लांट होता है और एक फीमेल प्लांट होता है। इस चीज को समझिएगा, मेल प्लांट कभी भी पपाया का फ्रूट जो भी पपाया जो आप देखते हैं वो मेल प्लांट पे नहीं उगता है। वो कहाँ पर उगता है वो प्लांट मेल प्लांट पर जो है पपाया नहीं उगता, वो फीमेल प्लांट पर ही उगता है। तो ये आप अपने डेली लाइफ में देखा होगा, अगर आप किसी घर के आसपास किसी नर्सरी में अगर आप देखेंगे तो आप देख सकते हैं इसको। तो पपाया हो गया या डेट पाम हो गया उसमें क्या होता है मेल फ्लावर अलग प्लांट पे उगता है और फीमेल प्लांट दूसरे फीमेल फ्लावर जो है दूसरे प्लांट पर उगता है। तो मेल फ्लावर को यहाँ पर स्टेमिनेट फ्लावर कहते हैं और फीमेल फ्लावर को पिस्टिलेट फ्लावर कहते हैं। तो ये चीज़ आपको समझ में आना चाहिए, दो अलग अलग डिफरेंट फ्लावर्स होते हैं इसमें और ये जहाँ पर होता है जिन प्लांट्स में होता है उनको हम डायोसियस प्लांट कहते हैं। मोनोसियस प्लांट वो होता है जिसमें दोनों ही सेक्सेस एक ही इंडिविजुअल में प्रेजेंट होता है, जिसका एग्जांपल है कुकुरबिट्स और कोकोनट्स। मैक्सिमम हायर प्लांट्स में ये चीज़ें देखने को मिलती हैं। और अगर मोनोइसियस जैसा अगर एनिमल में हो जाए, यानी मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन अगर एक ही एनिमल में पाए जाने लगे तो उसको हम क्या कहते हैं हर्माफ्रोडाइट कहते हैं या बाईसेक्सुअल कहते हैं। जैसे अर्थवर्म हो गया, टेप वर्म हो गया, स्पंजेस इसके एग्जांपल हो सकते हैं। तो क्या होता है ऐसे एनिमल जिसमें मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन सिंगल इंडिविजुअल के भीतर होता है उसको हम हर्माफ्रोडाइट या बाईसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म कहते हैं। तो इसमें क्या होगा इसका एग्जांपल अर्थवर्म, टेप वर्म और स्पंजेस होंगे, इसको आप समझ लीजिए। इसके बाद ऐसे एनिमल जो डायोसियस जैसे हैं, मतलब क्या कि इनमें मेल अलग इंडिविजुअल होगा, फीमेल अलग इंडिविजुअल होगा, मेल सेक्स ऑर्गन अलग, फीमेल सेक्स ऑर्गन अलग इंडिविजुअल में पाए जाएंगे, तो वो होते हैं यूनिसेक्सुअल। जैसे इंसेक्ट्स, जैसे कॉकरोच हो गया हमारा, फ्रॉग हो गया या हम हो गए, तो हम सभी क्या हैं हम यूनिसेक्सुअल हैं। जबकि बाईसेक्सुअल वो होते हैं जिनमें हर्माफ्रोडाइट जिनको हम कहते हैं, जिसमें आप देखते हैं कि दोनों सेक्स ऑर्गन सिंगल इंडिविजुअल के भीतर पाया जाता है। आपने अर्थवर्म की स्टडी किया होगा, अर्थवर्म में आपने देखा होगा मेल और फीमेल दोनों ही ऑर्गन्स जो सेक्स ऑर्गन्स हैं वो सिंगल इंडिविजुअल में एक ही अर्थवर्म में पाया जाता है। तो इन सारी चीज़ों को समझने के बाद हमने इसको एक डिस्कस कर लिया कि कहाँ किस तरीके से ये सेक्स ऑर्गन कहाँ पर कैसे होते हैं, गैमेट्स मॉर्फोलॉजिकली कैसे होते हैं, इन सारी चीज़ों को देख लिया। अभी भी हमारी एग्जैक्ट जो प्रोसेस है गैमेट बनने की जो प्रोसेस उसको अभी हमने डिस्कस नहीं किया। हमने वो लोकेशन देखा, उसके मॉर्फोलॉजी को देखा, लेकिन अभी हमने उस लोकेशन और मॉर्फोलॉजी के बाद जो एग्जैक्ट प्रोसेस है कि गैमेटोजेनेसिस होता कैसे है उसको भी डिस्कस नहीं किया है। तो चलिए देखते हैं कि गैमेट का फॉर्मेशन कैसे होता है। गैमेट का फॉर्मेशन एक्चुअली सेल डिवीजन के साथ होता है। गैमेट्स जो है एक पर्टिकुलर जो सेक्स ऑर्गन है वहाँ पर गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है, वहाँ पर सेल डिवीजन के साथ साथ ये गैमेट्स बनाए जाते हैं। तो उसमें क्या होता है अगर वो प्लांट या एनिमल लाइफ अगर कैसी है, एनिमल लाइफ क्या, एनिमल में लोअर एनिमल्स कुछ हो सकते हैं लेकिन इन जनरल जो हम कहते हैं कि अगर हैप्लॉयड अगर इंडिविजुअल है, आप इन जनरल अगर आप समझें हैप्लॉयड अगर इंडिविजुअल है, हैप्लॉयड पेरेंट है, तो गैमेट तो हैप्लॉयड होता ही है और पेरेंट भी हैप्लॉयड है, तो जाहिर सी बात है ये माइटोसिस करके ही सिंपल केवल माइटोसिस करेंगे तो भी ये
गैमेट्स बना सकते हैं। आप समझ लीजिएगा कि यहां पर क्या होता है, माइटोसिस। माइटोसिस में क्या होता है, जेनेटिक कंस्टिट्यूएंट्स जो होते हैं, जो उनके क्रोमोसोम्स के नंबर हैं, वो एक बराबर बने रहते हैं। तो हैप्लॉयड पेरेंट है तो केवल माइटोसिस के कारण ही एन से एन बन जाएगा, जबकि आप देख सकते हैं कि अगर पेरेंट अगर डिप्लॉयड होगा तो उसमें क्या होता है, कुछ स्पेशलाइज सेल्स होते हैं जिनको मियोसाइट्स या गैमेट मदर सेल्स कहते हैं, गैमेट मदर सेल्स। तो ये गैमेट मदर सेल्स स्पेशलाइज सेल्स होती हैं, इन सेल्स में मियोसिस कराया जाता है। इन सेल्स में क्या होता है, मियोसिस। इस चीज को आप नेक्स्ट चैप्टर में आप देखेंगे, काफी डिटेल में आप समझेंगे। इसमें क्या होता है, अगर डिप्लॉयड अगर पेरेंट है या डिप्लॉयड जो हायर जो लाइफ है, चाहे एनिमल की चाहे आप हायर प्लांट्स में आप देखेंगे, तो वहां पर क्या होता है, गैमेट को प्रोड्यूस करने वाली गैमेट मदर सेल्स होती है, मायोसाइट्स होती है, मियोसाइट्स जो होती है, वो मियोसाइट्स या गैमेट मदर सेल्स होती है, उसमें मियोसिस कराई जाती है, जिसके कारण 2n से n में ये कन्वर्ट हो जाते हैं, 2n से n, तो गैमेट्स जो है n में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये प्रोसेस जो है आप टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म और एनिमल्स में देखने को पाते हैं। तो ये चीजें आपको याद रखना होगा। तो लोअर लाइफ में क्या है और हायर लाइफ में क्या है, ये डिफरेंस आप देख सकते हैं। लोअर लाइफ में आपको सिर्फ माइटोसिस करना होता है, और हायर लाइफ जो भी है, चाहे प्लांट की हो चाहे एनिमल की हो, उसमें क्या है, मियोसिस कराई जाती है। हमारा जो टारगेट था पहला, कि गैमेट्स कैसे बनते हैं और कहाँ दिखते हैं, क्या होते हैं और कैसे इंडिविजुअल में बनते हैं, उन सारी चीज़ों को हमने डिस्कस कर लिया। अब हम देखेंगे गैमेट का ट्रांसफ़र कैसे होगा। गैमेट का ट्रांसफ़र, गैमेट कैसे ट्रांसफ़र होते हैं, गैमेट का ट्रांसफ़र क्या होता है, गैमेट का जो ट्रांसफ़र है उसके लिए ज़रूरी ये है कि मेल और फीमेल के बीच में मिलने का मौका दिया जाए उनके गैमेट्स को। और अभी हम इस चैप्टर में, इस टॉपिक में जो हम डिस्कस कर रहे हैं, इन जनरल हम बात कर रहे हैं, ओवरऑल जहां कहीं भी लाइफ है वो कैसे चलती है, हम इन जनरल स्टडी कर रहे हैं। लेकिन अगले टॉपिक में आप फ्लावरिंग प्लांट्स में आप रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे, इसके बाद आप ह्यूमन लाइफ में किस तरीके से रिप्रोडक्शन की प्रोसेस होती है, यानी प्लांट्स और एनिमल दोनों में एक एक आप सेपरेट आप पढ़ेंगे। अगले दो चैप्टर्स जो हैं उसमें एनिमल और प्लांट को अलग अलग करके समझाएंगे, लेकिन यहाँ पर हम इन जनरल हम लाइफ की सिमिलरिटी को देखते हुए हम अपना डिस्कस कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं इसमें गैमेट का ट्रांसफर कैसे होगा और क्यों होगा। तो आप जानते हो कि फ्यूजन के लिए गैमेट्स का ट्रांसफर होना जरूरी है। अब देखते क्या है कि आमतौर पर क्या होता है, जो फीमेल गैमेट्स होती हैं, फीमेल गैमेट्स स्टेशनरी होती हैं और मेल गैमेट्स उनके करीब पहुंचता है। बात समझिए, आमतौर पर क्या होता है, आमतौर पर यह होता है कि जो फीमेल गैमेट होती है वो स्टेशनरी होती है, मेल गैमेट्स उस तक पहुंचता है। लेकिन एल्गी में क्या देखते हैं, आइसोगैमेट्स होते हैं ना, दिखने में मॉर्फोलॉजिकली और फंक्शनली वो एक जैसे होते हैं, तो दोनों ही गैमेट्स एक दूसरे के करीब जाते हैं। तो एल्गी और कुछ फंजाई में ये देखने को मिला है कि दोनों ही गैमेट्स मोटाइल होते हैं, वरना क्या होता है, इन जनरल देखा गया है कि मेल गैमेट्स मोटाइल होते हैं और फीमेल गैमेट्स नॉन मोटाइल होती हैं। लोअर प्लांट्स में देखा गया है, लोअर प्लांट्स में देखा गया है कि गैमेट्स के ट्रांसफर के लिए वाटर एक मीडियम है, वाटर का मीडियम बहुत आवश्यक होता है। क्यों होता है वो चीज़ अभी हम बात करते हैं। देखिए, लोअर प्लांट्स का मतलब एल्गी हो गया, फंजाई हो गया, ब्रायोफाइट्स हो गया, टेरिडोफाइट्स हो गया, इसमें गैमेट्स के ट्रांसफर करने के लिए वाटर एक मीडियम का काम करता है। ऐसा क्यों है, वाटर की जरूरत क्यों है, ये चीज इवोल्यूशन से जुड़ी हुई है। अब जानते हैं लाइफ की शुरुआत कहां हुआ, वाटर में हुआ। धीरे धीरे करके आप देखते हैं कि ब्रायोफाइट्स मॉइस्चर वाले एरिया में धीरे धीरे पहला लैंड प्लांट रहा, मींस पहली बार लैंड्स की ओर बढ़ने वाला प्लांट क्या था, ब्रायोफाइट था। उसके बाद टेरिडोफाइट्स आया, फिर एंजियोस्पर्म आया, फिर जिम्नोस्पर्म आया। धीरे धीरे टेरेस्ट्रियल एडेप्टेशन बढ़ा, इवोल्यूशन जमीन की ओर बढ़ा, पानी से प्लांट, पानी से इवोल्यूशन किधर की ओर गया, जमीन की ओर गया, लैंड की ओर गया। लेकिन शुरुआती जो प्लांट से, प्लांट की जो लाइफ है उसमें क्या है, वाटर की डिपेंडेंसी, चूंकि पूरा का पूरा लाइफ वाटर में था पहले, तो इसीलिए वो सिमिलरिटी लोअर प्लांट्स में देखने को मिलती है, चाहे वो एल्गी की हो, ब्रायोफाइट्स की हो, टेरिडोफाइट्स की हो,
इनमें क्या होता है, मेनली हम देखते हैं बिना वाटर के इनमें गैमेट्स का ट्रांसफर पॉसिबल नहीं हो पाता है, जबकि एंजियोस्पर्म में आते आते आप देखते हैं पॉलन ग्रेन्स होते हैं, वो पॉलन ग्रेन्स के भीतर मेल गैमेट्स पाए जाते हैं और वहाँ ये पॉलन ग्रेन्स को फीमेल गैमेट तक पहुँचाने के लिए यानी फीमेल गैमेट तक ट्रांसफ़र कराने के लिए अलग अलग मैकेनिज्म है। कई बार क्या होता है एंजियोस्पर्म में आप देखेंगे अगले चैप्टर में कि पॉलिनेशन की प्रोसेस होती है, यानी पॉलन ग्रेन काफ़ी स्पेशलाइज्ड होते हैं, वो अपने तरीके से फीमेल गैमेट तक पहुँच जाते हैं। उनके लिए सिर्फ वाटर की ज़रूरत नहीं होती, कई बार वाटर की भी ज़रूरत ले सकते हैं, कई बार एयर का ले लेते हैं, कई बार वो बर्ड्स के माध्यम से अलग अलग पॉलिनेशन की प्रोसेस है, अलग अलग एजेंट्स उसमें मदद करते हैं, कई बार एबायोटिक, कई बार बायोटिक मीन्स क्या एयर इस तरीके की जो चीज़ें हैं, एबायोटिक लाइफ का मतलब ये, बायोटिक का मतलब कभी चिड़िया के माध्यम से, कभी एनिमल कोई दूसरे एनिमल के माध्यम से मेल गैमेट जो है फीमेल गैमेट तक पहुंचता है। तो उसमें क्या है, अगर आप एंजियोस्पर्म में देखते हैं तो वहाँ वाटर की डिपेंडेंसी इतनी नहीं होती, बहुत सारे मॉडिफिकेशन नेचर ने किया, चूँकि लाइफ टेरेस्ट्रियल है इसलिए वाटर की डिपेंडेंसी नहीं है। यहाँ पॉलन ग्रेन जो है वो मेल गैमेट्स को कैरी करते हुए फीमेल गैमेट तक ले जाता है, और फीमेल गैमेट कहाँ पाई जाती, ओव्यूल्स में पाई जाती है। अब ये ओव्यूल्स कहाँ होते हैं, पॉलन ग्रेन्स कहाँ होते हैं, इसको समझना ज़रूरी है। एक्चुअली क्या होता है, मेल एंजियोस्पर्म में जो मेल गैमेट्स को बनाने वाला जो बेसिक पार्ट है वो है स्टेमेन। स्टेमेन जो है दो पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, एक फिलामेंट होता है और दूसरा होता है एंथर। एंथर जो है ये फोर चैम्बर्ड स्ट्रक्चर होता है, ऊपर से दिख नहीं रहा है लेकिन अगर आप देखेंगे तो ये क्या होता है, फोर चैम्बर्ड होता है ये एंथर, और इसमें क्या होता है, एक फिलामेंट होती है। ये दोनों मिलकर के इस जो पार्ट है जो मेल गैमेट्स को बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है उसको कहते हैं स्टेमेन। स्टेमेन के दो पार्ट हैं, एंथर और फिलामेंट। इस एंथर जो टेट्रा आप देखते हैं, देख सकते हैं टेट्रा लोब्स में, फोर लोब्स में डिवाइडेड है, इसमें क्या होता है, हर एक में साइक लाइक स्ट्रक्चर होती है, उसमें पॉलन ग्रेन्स डेवलप होते हैं। कैसे डेवलप होते हैं इसको आप नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, अभी सिर्फ आप इतना समझें कि ये एंथर के भीतर पॉलन ग्रेन्स डेवलप होते हैं और ये पॉलन ग्रेन्स अलग अलग मीडियम से अलग अलग तरीके से स्टिग्मा तक पहुँचते हैं। स्टिग्मा क्या है, स्टिग्मा पिस्टल का पहला पार्ट है। स्टिग्मा है क्या, ये एक्चुअली वो फीमेल आर्गन है जहाँ पर इस पॉलन ग्रेन के भी पॉलन ग्रेन को पहुँचना पड़ेगा, क्योंकि पॉलन ग्रेन के भीतर ही मेल गैमेट है। तो ये स्टिग्मा होता कैसा है, स्टिग्मा जो है किसका पार्ट है, तो स्टिग्मा जो है ये एक रिसेप्टिकल पार्ट है, रिसीव करता है इस पॉलन ग्रेन को, ये रिसीव करता है। इसके साथ ही एक और पार्ट जुड़ा हुआ है स्टाइल जो कि यहाँ पर है, इसके भीतर होता है, इसके नीचे होता है ओवरी, ओवरी के भीतर होते हैं ओव्यूल्स। तो आप समझ लीजिए कि पिस्टल जो फीमेल जो आर्गन है जो कि फीमेल गैमेट को बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, इसके तीन पार्ट हैं स्टिग्मा स्टाइल और ओवरी। इसमें ये तो ट्रांसफ़र के पार्ट हैं, ओवरी बेसिक पार्ट है जहाँ पर फीमेल गैमेट बनता है, ओवरी के भीतर ही ओव्यूल्स होते हैं और यहाँ पर इस ओव्यूल्स के भीतर जो है क्या होता है, ये फीमेल गैमेट पाया जाता है। तो आप समझिए यहाँ ओव्यूल के भीतर फीमेल गैमेट है, फीमेल गैमेट यहाँ पर होता है, इसके साथ ही जो है ओवरी के भीतर ओव्यूल्स। तो आप देखिए स्टिग्मा स्टाइल ओवरी, ओवरी के भीतर ओव्यूल, ओव्यूल के भीतर क्या बनता है, फीमेल गैमेट बनती है। कैसे बनती है वो अगले टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे। तो ये जो कह रहे हैं ओव्यूल्स, ओव्यूल्स के भीतर क्या होते हैं, फीमेल गैमेट्स होते हैं। तो अब आप देखिए ओव्यूल्स तक मेल गैमेट कैसे पहुँचता है, पॉलन ग्रेन्स के द्वारा पहुँचता है, ओव्यूल्स के भीतर ही होते हैं फीमेल गैमेट्स। तो इस तरीके से ट्रांसफर की प्रोसेस होती है। तो यहाँ पर हमने अभी तक डिस्कस किया कि किस तरीके से प्री फर्टिलाइजेशन के इवेंट्स होते हैं। प्री फर्टिलाइजेशन के इवेंट्स में हमें क्या डिस्कस करना था कि किस तरीके से फर्टिलाइजेशन के पहले गैमेट्स बनते हैं और किस तरीके से वो बने हुए गैमेट्स मेल पार्ट से यानी मेल जो गैमेट जहाँ भी बन रहा है वो किस तरीके से फीमेल जो पार्ट है वहाँ तक ट्रांसफ़र होगा। यहाँ पर आपको समझना होगा अगर मोनेसियस अगर प्लांट है तो आप समझ सकते हैं वहाँ पर एक ही प्लांट के भीतर दोनों ही आर्गन होंगे, दोनों ही चीज़ें होंगी वहाँ अवेलेबल, तो वहाँ आसानी से ये ट्रांसफ़र हो जाते हैं। लेकिन अगर डायोसियस अगर प्लांट है तो वहाँ पर क्या होता है,
मेल प्लांट अलग होगा, फीमेल प्लांट अलग होगा, क्योंकि दोनों में अलग अलग गैमेट्स अलग अलग प्लांट्स पे बनेंगे, तो वहाँ थोड़ी मुश्किल होती है। यही रीज़न है कि लगभग हायर प्लांट्स में क्या होता है, मोनोसियस प्लांट्स होते हैं हायर प्लांट्स इन जनरल, क्योंकि उसमें क्या होता है कि एक ही प्लांट के भीतर अगर मेल और फीमेल गैमेट्स बनते हैं तो ये आसानी से गैमेट्स जो है मेल गैमेट फीमेल गैमेट तक पहुँच पाता है। तो ये चीज़ें हैं हमारे लाइफ के अडेप्टेशन में। अब आगे हम डिस्कस करेंगे फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, जो हम नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे, और उसी के साथ हम कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करने हैं उन पर हम चर्चा करेंगे। तो इससे पहले हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में हमने चर्चा किया था कि इसमें तीन मेजर इवेंट्स होंगे, एक होगा प्री फर्टिलाइजेशन, दूसरा होगा फर्टिलाइजेशन, और तीसरा होगा पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। तो इसमें प्री फर्टिलाइजेशन के बारे में हमने चर्चा कर लिया, अब हम फर्टिलाइजेशन के बारे में बात कर रहे हैं। फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, हमने पहले ही समझ लिया है कि किस तरीके से मेल और फीमेल गैमेट बनेंगे, वो ट्रांसफर भी हो चुके हैं, मेल गैमेट फीमेल गैमेट के पास पहुंच चुका है, अब ये आपस में फ्यूज करेंगे और ये सिंगैमी के द्वारा एक प्रोसेस है जिसमें इनका फ्यूजन होता है, उस प्रोसेस को सिंगैमी कहते हैं, जिसके द्वारा इनके हैप्लॉयड नंबर्स डिप्लॉयड हो जाएंगे, एन एन जुड़ करके 2N बन जाएगा, और जो सेल फॉर्म होता है उसको हम जाइगोट कहते हैं। तो ये जो प्रोसेस है जिसमें मेल गैमेट फीमेल गैमेट से मिलता है, वो कहाँ मिलता है, क्या एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में मिलता है या फिर उसको प्रोटेक्शन मिलता है, प्रोटेक्टेड इन्वायरमेंट है। जैसे आप समझ सकते हैं इसको डेली लाइफ रूटीन में, आप सोच सकते हैं कि कोई किस तरीके से नेचर ने बना रखा है, अगर आप बाहर एक ओपन एनवायरनमेंट में अगर मेल गैमेट फीमेल गैमेट से मिलेगा तो आप समझ सकते हैं कि वहाँ पर नेचर में आप समझ सकते हैं कि अगर ओपन एनवायरनमेंट में अगर मेल गैमेट फीमेल गैमेट तक अगर पहुँचता है तो वहाँ उतना प्रोटेक्शन नहीं होगा, इन्वायरमेंटल जो दिक्कतें हैं उसकी वजह से फर्टिलाइजेशन सक्सेसफुल नहीं हो सकता है। जबकि अगर फीमेल को काफ़ी प्रोटेक्टेड इन्वायरमेंट दिया जाए, फीमेल गैमेट जहाँ पर है वो काफ़ी प्रोटेक्टेड अगर इन्वायरमेंट हो और उसके भीतर मेल को जाने को कहा जाए तो आप समझ सकते हैं कि वो ज़्यादा सेफ होगा। मेरी बात समझ रहे हैं कि उसमें इन्वायरमेंटल जो प्रॉब्लम्स होंगी वो कम से कम फेस करनी पड़ेगी, क्योंकि फीमेल प्रोटेक्टेड है, फीमेल गैमेट प्रोटेक्टेड है, और वहाँ पर भीतर जाकर के मेल अपना मेल गैमेट जाकर के सिंगैमी करेगा, तो वो ज़्यादा बेहतर प्रोसेस होगी। तो इसी आधार पर कि कहाँ पर बाहरी इन्वायरमेंट में अगर फर्टिलाइजेशन होता है तो उसको एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहते हैं, जबकि अगर एक प्रोटेक्टेड इन्वायरमेंट में अगर फीमेल गैमेट रखी हुई है और वहाँ पर जाकर के अगर मेल गैमेट पहुँच करके अगर फर्टिलाइजेशन करता है तो उसे इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। तो आप देख सकते हैं कि जो एक्वेटिक लाइफ, हालांकि ये कोई बहुत हार्ड कोर स्टेटमेंट नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी एक्वेटिक लाइफ या एक्वेटिक लाइफ के टच में रहने वाले जितने भी हैं वहाँ पर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन देखा जाता है। इसमें एल्गी को आप देख सकते हैं, फिशेस को देख सकते हैं, फ्रॉग्स को देख सकते हैं, तो आप यहाँ पे कह सकते हैं ना कि एम्फीबियंस नॉर्मली फर्टिलाइज बाय या दे प्रिफर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, जबकि इंटरनल फर्टिलाइजेशन ह्यूमन बींग में है, डॉग्स में, एंजियोस्पर्म, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, ब्रायोफाइटा से ही नेचर ने प्लांट के लाइफ में ब्रायोफाइटा के बाद से ही फीमेल गैमेट को प्रोटेक्शन देना शुरू कर दिया और मेल को कहा कि आप फीमेल के इस सेफ जोन में आइए, वहाँ फर्टिलाइज कीजिए। तो ब्रायोफाइटा हो गया, टेरिडोफाइट हो गया, आप गूगल पे इमेज सर्च करेंगे तो आपको मिलेगा, आप देख सकते हैं कि ब्रायोफाइटा में किस तरीके से होता है, फीमेल गैमेट एक जगह रहती है, वहाँ पहुँच करके मेल गैमेट फर्टिलाइज करता है। टेरिडोफाइटा हो गया, टेरिडोफाइटा में भी यही चीज़ देखने को मिलती है, जिम्नोस्पर्म में भी यही चीज़ देखने को मिलती है, एंजियोस्पर्म में भी यही चीज़ देखने को मिलती है। इवन हमने अगर अभी तक प्लांट लाइफ की बात किया, अगर एनिमल लाइफ की बात करें तो रेप्टाइल्स, बर्ड्स, मैमल्स, जिसमें ह्यूमन, डॉग्स, कुछ भी एग्जांपल बना सकते हैं, तो इन सब में इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, प्रोडक्शन होता है, फीमेल गैमेट एक बेहतर जगह पर होती है और वहाँ पर मेल गैमेट पहुँच करके फर्टिलाइजेशन करता है। कई बार ये होता है, कुछ नेचर में अलग से भी घटना देखी गई है कि ऑफस्प्रिंग या नया ऑर्गेनिज्म जो है डेवलप कर जाता है विदाउट फर्टिलाइजेशन। कई बार डेवलपमेंट ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म अकर्स विदाउट फर्टिलाइजेशन ऑफ फीमेल गैमेट। कई बार फीमेल गैमेट के बिना फर्टिलाइजेशन से ही
बिना फर्टिलाइज हुए ही फीमेल गैमिट नए ऑर्गन्स को डेवलप कर देती है। इस प्रोसेस को हम पार्थिनोजेनेसिस कहते हैं। पार्थिनोजेनेसिस में क्या होगा, फीमेल गैमिट मेल से मिली नहीं, तो यानी जो बनने वाले जो इंडिविजुअल्स होंगे उनकी जो हैप्लॉयडी होगी वो क्या होगी, जो प्लॉयडी होगी वो क्या होगा, हैप्लॉयड होंगे। तो ये एन होते हैं। पार्थिनोजेनेसिस में जो भी नए ऑर्गेनिज्म बनते हैं वो फीमेल गैमेट से बनते हैं, तो उनकी प्लॉयडी क्या होगी, हैप्लॉयड होगा। ये बात याद रखिएगा। इसके एग्जांपल कौन से हैं, रोटीफर्स। तो ये पूछ सकते हैं ना, रोटीफर्स की प्लॉयडी आफ्टर पार्थिनोजेनेसिस, उनकी जो नए ऑर्गेनिज्म डेवलप हो रहे हैं उनकी प्लॉयडी क्या होगी, तो वो हैप्लॉयड होंगे। हनी बीज में देखा जाता है ये चीज़ें, हनी बीज में मैक्सिमम जो होता है ये पार्थिनोजेनेसिस प्रोसेस होती है। कुछ लिजर्ड्स में देखा जाता, बर्ड्स में जैसे टर्की में ये प्रोसेस देखी जाती है। तो ये पार्थिनोजेनेसिस को नेचर ने किस जगह पर शो किया है, इसको समझ लिया हमने। अब चलिए एक डिफरेंस देखते हैं एक्सटर्नल और इंटरनल फर्टिलाइजेशन को। तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन क्या होता है, इसमें सिंगैमी यानी फ्यूजन की जो प्रोसेस है बॉडी के आउटसाइड होती है, जबकि इंटरनल फर्टिलाइजेशन में क्या होता है कि जो भी फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस है वो इनसाइड द बॉडी होता है, बॉडी के इनसाइड होता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या है, सिंगैमी जो होती है वो आउटसाइड द बॉडी होती है, जबकि इसमें क्या होता है, इनसाइड द बॉडी फर्टिलाइजेशन होता है। तो ये चीज़ है। इसमें चूंकि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होगा, आप समझिए वाटर में मेल और फीमेल गैमेट को छोड़ दिया गया, तो क्या संभव है कि वाटर में जाकर के मेल और फीमेल प्रॉपर मिल पाएंगे, वाटर के भीतर मेल और फीमेल गैमेट्स का मिल पाना संभव नहीं हो पाता है इतनी आसानी से। तो इसीलिए मेल और फीमेल दोनों के गैमेट्स की संख्या बहुत ज़्यादा रखनी पड़ती है, जबकि यहाँ इनसाइड द बॉडी है, चूंकि फीमेल गैमेट प्रोटेक्टेड इन्वायरमेंट है में है, तो इसलिए नेचर ने ओवा या फीमेल गैमेट्स जो हैं उनकी संख्या कम रखा, लेकिन मेल को भटकते भटकते वहां पहुंचना होगा, तो इसलिए मेल गैमेट्स की संख्या ज़्यादा होती है। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के जो एग्जांपल्स हैं इन जनरल कहा जाए तो बोनी फिशेज में, एम्फीबियंस में, इन जनरल हम कहें तो बोनी फिशेज या एम्फीबियंस को जनरल एग्जाम्पल मान सकते हैं। मैमल्स में, बर्ड्स में, अर्थवॉर्म में क्या होता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। तो अलग अलग तरीके से आप सवाल पूछ सकते हैं, प्लांट के रूप में एग्जाम्पल बना दे, रेप्टाइल्स में एग्जाम्पल बना दे। आप समझ सकते हैं रेप्टाइल्स में क्या होता है, ये एग देंगे, बर्ड्स में क्या होगा, एग बनाएंगे, लेकिन अंडा बनाने से पहले जो फर्टिलाइजेशन है वो कहाँ होता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। तो आपको इवोल्यूशन के प्रोसेस के साथ साथ नेचर को समझना होगा। यहाँ पर देखिए कितने बेहतर तरीके से हमने प्लांट को और एनिमल लाइफ को एक साथ हमने सिमिलर करके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को समझने की कोशिश किया। आपने देखा प्रोटेक्शन जो है ब्रायोफाइटा को भी दिया गया, प्रोटेक्शन टेरिडोफाइटा को भी दिया गया, प्रोटेक्शन फीमेल गैमेट का जो प्रोटेक्शन है वो एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स को भी दिया गया, और वही प्रोटेक्शन आप देख रहे हैं रेप्टाइल्स को भी दिया जा रहा है, वही प्रोटेक्शन बर्ड्स को दिया जा रहा है, वही मैमल्स को दिया जा रहा है। तो नेचर ने काफ़ी कुछ सिलेक्शन रखा है, और जो पैटर्न है इवोल्यूशन का वो प्लांट लाइफ में और एनिमल लाइफ में दोनों जगह एक जैसा देखने को मिला है। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस किया। चलिए कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन की मदद से कुछ बात समझने की कोशिश करते हैं। करेक्ट स्टेटमेंट क्या हो सकता है, सेक्शुअल रिप्रोडक्शन डज नॉट ऑलवेज रिक्वायर टू इंडिविजुअल्स। बिल्कुल सही बात है। हमने क्या देखा था, मोनोइसियस में क्या होता है, सिंगल के भीतर ही क्या होता है, दोनों ही ऑर्गन पाए जाते हैं, तो इसलिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए दो इंडिविजुअल्स की जरूरत नहीं होती है। यह स्टेटमेंट गलत है, सिंगल में भी पॉसिबल है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व्स गैमेटिक फ्यूजन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बिल्कुल सही बात है, मेल और फीमेल गैमेट का बिना फ्यूजन हुए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीट नहीं होता है, और उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, सिंगैमी कहते हैं। तो ये स्टेटमेंट सही लग रहा है। फिर मियोसिस नेवर अकर ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये बात पूरी तरीके से नहीं सही है। इस चीज को हम देखेंगे आगे कि इसमें कई जगहों पर क्या होता है कि ये स्टेटमेंट, अगर इस स्टेटमेंट को अगर मान लीजिए आप पहली बार देख रहे हैं, आपके दिमाग में डाउट है, तो एलिमिनेशन की प्रोसेस फॉलो किया करें। चलिए फोर्थ स्टेटमेंट देख करके अभी हम इसको जस्टिफाई कर लेते हैं। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन इज ए रूल ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो ये स्टेटमेंट जो है, ये स्टेटमेंट क्या है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन इज ए रूल, नहीं, इंटरनल फर्टिलाइजेशन भी होता है, तो ये स्टेटमेंट भी गलत है। अब मियोसिस नेवर अकर्स ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन,
मियोसिस तो होता है, बिना मियोसिस के आपने देखा था। अब ये स्टेटमेंट भी कोई हार्डकोर लाइन आप नहीं बना सकते हैं, क्योंकि लास्ट हमने जब डिस्कस किया था तो हमने देखा था कि अगर आपका एल्गी है तो उसका क्या है, मेन जो बॉडी लाइफ है, जो मेन ऑर्गेनिज्म है, प्लॉयड है, तो माइटोसिस के द्वारा वो क्या करता है, गैमेट्स बनाता है। तो ये भी एक आप कोई नहीं कह सकते हैं कि केवल माइटोसिस के, मियोसिस के द्वारा ही होता हो, लेकिन मियोसिस के द्वारा गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है, लेकिन ये हायर लाइफ में होता है, लोअर लाइफ में इसके बगैर भी प्रोसेस होती है। तो ये स्टेटमेंट डाउटफुल है। तो अगर सिंगल ऑप्शन है तो ये ऑप्शन जो है गैमेटिक फ्यूजन का हम इसको ले सकते हैं। अच्छा, पहले स्टेटमेंट को एक बार फिर से देखते हैं। ये स्टेटमेंट तो गलत है, क्योंकि आप देखा आपने, इसमें आपको मैं क्लियर कट बताता हूँ कि एल्गी में क्या होता है, एल्गी में पूरी जो एल्गी की जो प्लांट बॉडी होती है वो क्या होती है, हैप्लॉयड होती है। वहाँ पर एन बनाने के लिए वो सिर्फ मियोसिस नहीं लेती, वो वहाँ माइटोसिस भी होता है। वहाँ केवल माइटोसिस होता है, वहाँ माइटोसिस के द्वारा एन से एन बना लेता है, जबकि दूसरे जगहों पर 2n से जहाँ n होना होता है वहाँ पर मियोसिस होती है। तो वो वहाँ मियोसिस वहाँ होगा जहाँ 2n से n करना होगा। तो थर्ड ऑप्शन तो गलत। पहला देखते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन डज नॉट ऑलवेज, यस ये स्टेटमेंट ऑलवेज पर आपको फोकस करना होगा, तब ये सही है स्टेटमेंट। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन डज नॉट ऑलवेज रिक्वायर टू इंडिविजुअल, बिल्कुल सही बात है। हर बार दो इंडिविजुअल की आवश्यकता ये जरूरी नहीं है, एक ऑर्गेनिज्म से भी ये बात हो सकती है। तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा, पहला और दूसरा। चलिए देखते हैं एक और करेक्ट ऑप्शन। यहां पर क्या होता है, मेल गैमेट्स एंड फीमेल गैमेट्स आर फॉर्म्ड एंड रिलीज साइमल्टेनियसली, कब, जब आप बात करते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन की। हाँ, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के रिस्पेक्ट में ये बात, ये क्वेश्चन मैंने फ्रेम किया था एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के रिस्पेक्ट में। तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में क्या क्या चीज़ें उस समय आवश्यक होती हैं, तो मेल गैमेट और फीमेल गैमेट को तुरंत रिलीज एक साथ होना होगा, बिल्कुल सही बात है। ये फ्रॉग के एग्जांपल में ये स्टेटमेंट आप देखते हैं, उसमें क्या होता है कि फ्रॉग जो मेल फ्रॉग होता है वो फीमेल फ्रॉग के ऊपर चढ़ता है और एक प्रेशर लगाता है, उस प्रेशर के दौरान फीमेल अपने फीमेल गैमेट्स, फीमेल जो फ्रॉग है वो अपने फीमेल गैमेट्स को रिलीज करती है और मेल फ्रॉग जो है मेल गैमेट्स को रिलीज करता है, और जेली लाइक एक सब्सटेंस के भीतर मेल और फीमेल गैमेट्स जो होते हैं वो इस तरीके से एक जेली लाइक जैसे होता क्या कि मेल फ्रॉग फीमेल फ्रॉग के ऊपर चढ़ जाता है और एक प्रेशर अप्लाई करता है, जिससे ये फीमेल फ्रॉग जो है एक जेली लाइक सब्सटेंस निकालती है जिसमें फीमेल गैमेट्स होता है, और ये मेल उसी समय उसी में अपने मेल गैमेट्स को ट्रांसफर कर देता है। तो मेल फ्रॉग ने फीमेल फ्रॉग की बॉडी से निकलने वाले जेली लाइक सब्सटेंस में अपने गैमेट्स को रिलीज कर दिया। तो इस जेली लाइक सब्सटेंस में फीमेल का फीमेल गैमेट, मेल फ्रॉग का मेल गैमेट आ गया। अब यहाँ पर क्या होता है कि इनके बीच में फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस हो पाती है, वो प्रोसेस तभी संभव है जब मेल और फीमेल गैमेट्स एक साथ रिलीज हो। तो ये एक स्टेटमेंट है, एग्जाम्पलर का एक स्टेटमेंट है। तो ये जरूरी है आपको समझना कि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में उसका बैकग्राउंड क्या है। इसके बाद क्या है कि केवल कुछ गैमेट्स रिलीज होते हैं मीडियम में, ये जरूरी नहीं है, बहुत बड़ी संख्या में जरूरत होती है। तो ये स्टेटमेंट तो सही है, लेकिन ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि आप जानते हैं सक्सेसफुल फर्टिलाइजेशन की गारंटी नहीं है यहाँ पर। तो इसलिए थोड़ी संख्या में अगर आप गैमेट्स मीडियम में रिलीज करेंगे तो अनसक्सेसफुल रिप्रोडक्शन हो सकता है। वाटर इज ए मीडियम इन मेजॉरिटी, ये स्टेटमेंट सही है, पानी में ही एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन जो है वाटर के भीतर होता है, ये मेजॉरिटी ऑफ केसेस में देखा गया है। तो ये चीज है, ऑफस्प्रिंग फॉर्म फ्रॉम एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन हैव बेटर चांसेस ऑफ सर्वाइवल, बिल्कुल नहीं। अब पानी में बाहर अनप्रोटेक्टेड एनवायरमेंट में फर्टिलाइजेशन हो रहा है, जाहिर सी बात है वहां पर प्रीडेटर्स का और हार्श एनवायरमेंट का बहुत ज्यादा खतरा होता है, तो इसलिए ये स्टेटमेंट भी गलत है। अब चलिए फिर एक करेक्ट स्टेटमेंट खोजने की कोशिश करते हैं। पिस्टल मे हैव, तो ये जो मैंने अभी आपको बताया था कि स्टिग्मा स्टाइल ओवरी, मैंने आपको बताया था ना, यहां पर स्टिग्मा बताया था आपको, फीमेल एक पिस्टल का मैंने आपको पार्ट दिखाया था, तो स्टिग्मा, फिर मैंने आपको भी दिखाया था स्टाइल, फिर इधर दिखाया था ओवरी, ओवरी के भीतर मैंने दिखाया था ओव्यूल, मैंने आपको दिखाया था और मैंने बताया था ये तीनों चीज़ें ओवरी, स्टिग्मा स्टाइल और ओवरी जो है इनको कंबाइन करके
पिस्टल का पार्ट मानते हैं। पिस्टल के भीतर ये जो यहाँ पर जो ये जो जोन है, ये पिस्टल बेसिकली क्या होता है कि कार्पेल्स से बना होता है, और कार्पेल्स के भीतर, हर एक कार्पेल्स के भीतर एक ओव्यूल होते हैं। ये चीज़ आप मॉर्फोलॉजी में पढ़ेंगे, तो इन उसी बेसिस पर डिस्कस किया है यहाँ पर एग्जाम्पलर ने। तो उसने एक सिंपल सी बात कहा है कि पिस्टल के पास कई सारे कार्पेल्स हो सकते हैं, तो ये बात सही है। एक पिस्टल जो है उसके भीतर कई सारे कार्पेल्स होते हैं, और हर कार्पेल्स में, ईच कार्पेल्स में एक ओव्यूल होता है। तो आप समझ लीजिए, ये आप बात समझ लीजिए कि एक पिस्टल में कई सारे कार्पेल होते हैं और ईच कार्पेल में सिंगल ओव्यूल होता है, वन ओव्यूल होता है। तो इसलिए आप सुनते हो कि मल्टी कार्पेलरी पिस्टल, तो इस तरीके से होती हैं टर्म्स। तो एक पिस्टल में कई सारे कार्पेल्स हो सकते हैं और हर कार्पेल में एक ओव्यूल होता है, तो पहला स्टेटमेंट सही लग रहा है। दूसरा स्टेटमेंट देखते हैं, ईच कार्पेल्स मे हैव मोर देन वन ओव्यूल, ये बात गलत है। अभी हमने आपको बताया कि हर कार्पेल के पास एक ओव्यूल होता है। ईच कार्पेल हैव ओनली वन ओव्यूल, ये स्टेटमेंट सही है। पिस्टल हैव ओनली वन कार्पेल, ये नहीं है, मल्टी कार्पेलरी पिस्टल्स देखे गए हैं, तो ये स्टेटमेंट भी गलत है। अब एक और क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं जो हम देखते हैं। इसमें एक मेज के प्लांट का शूट टिप लिया गया। क्या लिया गया? मेज के प्लांट का शूट टिप लिया गया, उससे शूट टिप का एक सेल लिया गया जिसके भीतर क्रोमोसोम नंबर 20 पाई गई। तो शूट टिप है, यानी ये क्या है, डिप्लॉयड है, ये 2n सेल है। शूट टिप में जो सेल्स की संख्या है वो 2n इज इक्वल टू कितना है, 20 है। तो अब बताइए इसके माइक्रोस्पोर मदर सेल यानी गैमिट मदर सेल्स में, गैमिट मदर सेल, माइक्रोस्पोर मदर सेल्स या मियोसाइट्स अगर बोले, या गैमिट मदर सेल बोले, या फिर बोले मियोसाइट्स, मियोसाइट्स में क्रोमोसोम नंबर कितना होगा? तो क्रोमोसोम नंबर कितना होगा बताइए, क्रोमोसोम नंबर जो होगा वो होगा 20। अब कोई बोले इसके ओवम में कितने सेल्स होंगे, तो 10 होंगे, क्योंकि ये हैप्लॉयड नंबर का डेटा दे रखा है, तो आपको डिप्लॉयड नंबर का डेटा दे रखा है, तो उससे आपको हैप्लॉयड नंबर बताना है। फिर स्टिग्मा की बात करें, अगर मान लीजिए स्टिग्मा बोले, तो स्टिग्मा के बारे में आपको समझना होगा कि ओव्यूल के भीतर फीमेल गैमिट होता, उसके बाद ये जितनी भी स्ट्रक्चर हैं सारे डिप्लॉयड होते हैं, बात समझिए। तो अगर स्टिग्मा के सेल्स पूछ ले, या इस तरीके से मैंने हाइपोथेटिकल एक बात बताई, तो ये सारे डिप्लॉयड होंगे। यहाँ पर ओव्यूल के भीतर का जो पार्ट है वहाँ पर फीमेल गैमिट बनाई गई है, तो वो पार्ट सिर्फ हैप्लॉयड होगा, ये चीज़ आपको समझना होगा। बाकी जो प्रोटेक्शन जो ये दिया गया है या जो भी एसेसरी पार्ट है सारे डिप्लॉयड होते हैं। तो ये स्टिग्मा में क्या होगा इसके बारे में आप अंदाजा लगा सकते हैं। तो इस तरीके से हमने अलग अलग तरीके के क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश किया है, और ये बेसिक समझ बनाने की कोशिश किया है कि एनसीईआरटी में जो पॉइंट्स दिए गए हैं उससे कितना आगे पीछे आपकी जानकारी होनी चाहिए। कई बार क्या होता है कि एनसीईआरटी ने एक स्टेटमेंट दिया है, उसके आगे एक स्टेप आपको कम से कम आगे सोचना होगा, ज़्यादा नहीं है, भटकना भी नहीं है। तो इस तरीके से अगर आप करेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस बना रहेगा, और विश्वास करिए कि एनसीईआरटी के ही इर्द गिर्द आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। लास्ट अब हम चलेंगे पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, और उसके साथ ये टॉपिक खत्म होगा। तो आपने सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर ली, बहुत आउट ऑफ द सिलेबस जाके क्वेश्चंस मत सॉल्व करिएगा, जो एनसीईआरटी से मिलते जुलते जो क्वेश्चंस हैं उन्हीं को सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। अब हम लोग बात करेंगे पोस्ट फर्टिलाइजेशनल इवेंट्स की। इसमें हम डिस्कस करेंगे कि फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है। तो हम जानते हैं कि चाहे एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन हो चाहे इंटरनल फर्टिलाइजेशन हो, उसके बाद बनता क्या है, जायगोट। अब आगे की प्रोसेस कैसी होगी उसके आधार पर पूरी की पूरी लाइफ साइकिल डिसाइड होती है। लोअर जो ऑर्गेनिज्म है उनका मेन जो बॉडी है, जो ऑर्गेनिज्म जो है वो हैप्लॉयड होते हैं। तो ये जो हैप्लॉयड जो लोअर ऑर्गेनिज्म है उनकी जो प्लाइडी है वो हैप्लॉयड है, जबकि जायगोट जो बनता है चाहे लोअर ऑर्गेनिज्म हो चाहे हायर लेवल के ऑर्गेनिज्म हो, सब में जायगोट कैसे बनते हैं, 2n बनते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि मेजर डिफरेंस यहाँ पर ये आता है कि हायर ऑर्गेनिज्म में प्लांट या एनिमल हो, उनकी जो ओवरऑल जो बॉडी है उसकी प्लाइडी डिप्लॉयड होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये डिप्लॉयड होता है, और जायगोट दोनों, लेकिन यहाँ पर क्या है, n है, यहाँ 2n है, और ख़ास बात यह है कि दोनों के ही जायगोट 2n है। तो अब हमें करना क्या पड़ेगा,
अब यहां पर क्या है, 2n से हमें n मेंटेन करना है, तो n मेंटेन करने के लिए हम क्या करेंगे, मियोसिस करेंगे। आप समझ सकते हैं यहां पर क्या, जाइगोट बनने के तुरंत बाद ही मियोसिस करा दी जाती है जाइगोट की, ताकि प्लॉयडी मेंटेन रहे, ये हैप्लॉयड बने रहें। और आप देख सकते हैं जो अब हम पहले से डिस्कस करते रहे कि गैमेटोजेनेसिस में ये माइटोसिस करते हैं ताकि ये एन से एन मेंटेन कर सकें। और आप जानते हैं जब एक बार गैमिट बन जाता है तो ये अपोजिट गैमिट से जब जुड़ता है, मेल फीमेल जब जुड़ते हैं, तो सिंगैमी के दौरान जाइगोट बनता है जो 2n बन जाता है इसके अपोजिट। तो यहाँ पर क्या है, यहीं पर देख लेते हैं, यहाँ पर मेजर जो लाइफ साइकिल है उसमें हम देख रहे हैं किसका कंट्रीब्यूशन, हैप्लॉयड जो लाइफ साइकिल में जो है, जो प्लॉयडी है वो हैप्लॉयड का डोमिनेंसी डोमिनेंट है यहाँ पर, तो इसलिए इसको हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल कहते हैं। जबकि इसके अपोजिट हम बात करेंगे डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल की, डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। तो डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में क्या होता है कि मैक्सिमम जो फेज है लाइफ की वो डिप्लॉयड होती है, उसकी प्लॉयडी डिप्लॉयड होती है। तो यहाँ पर क्या होगा कि जो प्लांट या एनिमल की जो प्लॉयडी है वो क्या है, 2n है। तो ये गैमिट बनाते समय n बनाने के लिए मियोसिस करते हैं, और इस मियोसिस के कारण यहाँ पर जो गैमिट्स बनता है वो n बनेगा, और ये अपने अपोजिट गैमिट्स से जुड़ने के बाद 2n हो जाएगा जाइगोट बनने के दौरान, सिंगैमी के दौरान। अब ये जो जाइगोट है ये 2n बन चुका है और मेन प्लांट बॉडी भी 2n ही होना है, तो अब ये माइटोसिस लगातार करेगा। ये क्या करेगा, माइटोसिस। और ये माइटोसिस कर करके अपने आपको आगे ग्रोथ करेगा और पूरे जो एम्ब्रियो बनेगा, और एम्ब्रियो से प्रॉपर ऑर्गन्स डेवलप होंगे, तो एक एडल्ट लाइफ की शुरुआत होगी। तो यहाँ पर माइटोसिस की जो प्रोसेस होती है उससे क्या होता है, एम्ब्रियो बनता है। तो जाइगोट के बाद आगे क्या होता है, एम्ब्रियो बनने की जो प्रोसेस है, हायर जो प्लांट या एनिमल की जो लाइफ है वो डिप्लॉयड लाइफ साइकिल को होती है, क्योंकि इसमें डोमिनेंट जो फेज है वो क्या है, आप अगर इसको छोड़ दें तो पूरे के पूरे क्या है, यहाँ भी है यहाँ भी है, बीच में मैक्सिमम जो जोन है वो क्या है, डिप्लॉयड है। जबकि यहाँ पर आप देख रहे हैं केवल थोड़े देर के लिए डिप्लॉयड ही था, मैक्सिमम लाइफ जो है साइकिल की, लाइफ साइकिल का मैक्सिमम पार्ट फेज जो है हैप्लॉयड है। तो ये डिफरेंस होता है डिप्लॉन्टिक और हैप्लॉन्टिक में। अब ये जो जाइगोट बना है ये किस तरीके से एम्ब्रियो बनाएगा, आगे एम्ब्रियो कैसे बनाएगा, और एम्ब्रियो के बाद एडल्ट लाइफ कैसे बनेगी, उसको समझना जरूरी है। तो चलिए देखते हैं, ये एक्चुअली एम्ब्रियोजेनेसिस के लिए लगातार जाइगोट में क्या होगा, माइटोसिस होगा, और इसमें क्या, लगातार सेल डिवीजन होते जाएंगे, सेल डिवीजन के बाद सेल इनलार्ज करके अपनी ग्रोथ करेंगे, और उसके बाद डिफरेंशिएट होंगे, जिस सेल को जिस ऑर्गन का पार्ट बनना होगा वो उस तरीके से डिफरेंशिएट होता जाएगा। एनिमल्स में अगर हम बात करें एम्ब्रियोजेनेसिस के दौरान तो क्या होता है, उस चीज़ को देखना पड़ेगा, ये एनिमल लाइफ में क्या होता है आगे चल करके उसको देखते हैं, फिर हम प्लांट्स में अलग से डिस्कस करेंगे। तो एनिमल्स में बात करें तो दो तरीके की होते हैं यहाँ पर, एक ओविपेरस होते हैं एनिमल्स और कुछ होते हैं विविपेरस। तो क्या होता है, कुछ में क्या होता है, जाइगोट्स के बाद की जो प्रोसेस है वो आउटसाइड द बॉडी होती है, आगे कंप्लीट होती है, तो ये एग को बाहर रिलीज करते हैं, और इसमें पूरी की पूरी आगे की जितनी भी प्रोसेस होती है जाइगोट के बाद, जो भी एम्ब्रियो बनाने की जो प्रोसेस होती है वो आउटसाइड द बॉडी होती है। ये ओविपेरस एनिमल हैं जिसमें रेप्टाइल और बर्ड्स आते हैं, आप जानते हैं ये एग रिलीज करते हैं, और उसके बाहर, एग के बाहर क्या होती है, कैल्सिफाइड एक शेल होती है, उसी के भरोसे ये एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में छोड़ देते हैं। आप जानते हैं कि ये खतरनाक स्थिति है, इसमें एग्स के फूटने का और हैश इन्वायरमेंट जो इन्वायरमेंट की जो एडवर्स कंडीशंस है उसको यहाँ इसको फेस करना पड़ता है। जबकि विविपेरस में क्या होता है, ये इनसाइड द बॉडी ही एम्ब्रियो को डेवलप किया जाएगा, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट पूरी तौर पे प्रोटेक्टेड इन्वायरमेंट में ही किया जाएगा, और इसमें जो प्रॉपर यंग वंस को अपने जैसे जब बच्चा बन जाएगा, जो भी एम्ब्रियोजेनेसिस के बाद जो फीटस होता है, तो वो प्रॉपर यंग वंस को वो रिलीज करते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए इनसाइड द बॉडी ही एम्ब्रियोजेनेसिस होती है, और प्रॉपर यंग वंस को रिलीज करते हैं, जैसे मैमल्स हो गए, हम हो गए, तो हम लोग इस तरीके से करते हैं। प्लांट्स लाइफ में बात करें तो जाइगोट का क्या होता है, ये जाइगोट बनता कहाँ है, यहाँ ओव्यूल में बनता है, मैंने आपको बताया था पॉलन ग्रेन्स, फिर उसके बाद यहाँ पर मेल गैमेट्स अंदर के रिलीज किए जाते हैं, यहाँ पर आकर के फीमेल गैमेट से फर्टिलाइज करते हैं। तो ओव्यूल के भीतर
ओवरी के भीतर जो ओव्यूल है वहां पर जाकर के फर्टिलाइजेशन होता है। तो ओव्यूल के भीतर ही एम्ब्रियोजेनेसिस की प्रोसेस भी होती है। एम्ब्रियोजेनेसिस की प्रोसेस में हालांकि काफ़ी डिटेल में है अगर आप पढ़ते हैं तो, लेकिन चूंकि एनसीईआरटी ने दिया नहीं है इसलिए हमें ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है। जो रिलेटेड जो भी टॉपिक्स होंगे वो हम आगे डिस्कस कर लेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, जिसमें हम बात करेंगे प्लांट लाइफ में किस तरीके से होता है ये पूरी आगे की प्रोसेस। लेकिन जितने इंपॉर्टेंट टर्म्स दिए हैं उसको तो एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए कि जायगोट जो है फर्दर लगातार डिवाइड करते हुए एम्ब्रियो बनाता है। ये जो ओव्यूल है, ये ओव्यूल यहाँ पर जो है ओवरी के भीतर, ये सीड्स में कन्वर्ट होता है, और जो ओवरी है जो बाहर की जो ओवरी है ये फ्रूट्स में बदल जाता है, ये स्टिग्मा स्टाइल ये सारे हट जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। तो ये बचा हमारे पास फ्रूट्स में कौन कन्वर्ट होता है, ओवरी, ओव्यूल सीड्स में कन्वर्ट होते हैं। तो अब तक की प्रक्रिया में हमने डिस्कस किया पोस्ट फर्टिलाइजेशनल इवेंट्स के बारे में बात किया। पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में क्या हुआ, फर्टिलाइजेशन के बाद का क्या होता है एनिमल या प्लांट लाइफ में, उस पर हमने चर्चा किया। तो चलिए एक रिलेटेड एक बहुत ही आसान सा क्वेश्चन हम डिस्कस कर लेते हैं। पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में क्या आएगा, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स, क्या पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर होना, क्या हम मान सकते हैं इसमें ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन को, नहीं। क्या एम्ब्रियो के डेवलपमेंट को पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट माना जा सकता है, बिल्कुल माना जा सकता है। क्या फ्लावर का बनना हम पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट मान सकते, बिल्कुल नहीं। क्या पॉलन ग्रेन का बनना हम पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट मान सकते, नहीं। पॉलन ग्रेन को भी नहीं मानेंगे, फ्लावर को भी बनने को नहीं मानेंगे, हम प्रॉपर फर्टिलाइजेशन के बाद जो एम्ब्रियो बनता है उस प्रोसेस को हम पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स मान सकते हैं। तो एक बार फिर से मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जिस किसी भी आप एमसीक्यू बुक को सॉल्व करेंगे उसमें बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो सिलेबस से थोड़े बाहर होते हैं, तो ऐसे क्वेश्चंस को देख करके डरने की ज़रूरत नहीं है। जो एनसीईआरटी में दिए गए टॉपिक्स हैं उन्हीं पर फोकस रखते हुए और एक दो स्टेप आगे पीछे रहते हुए आप क्वेश्चन को सॉल्व करिए, ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है। बायोलॉजी में मैक्सिमम क्वेश्चन आपके सही होंगे, विश्वास रखिए। धीरे धीरे करके अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाइए। जो क्वेश्चन नहीं लग पा रहे हैं या एमसीक्यू बुक्स में लग रहा है कि वो थोड़े अलग हैं, तो उसको मान लीजिए वो आपके सिलेबस में नहीं है। और पिछले 5 से 6 साल तक के जितने भी MCQs हैं AIPMT में पूछे गए उन सबको सॉल्व कर लीजिए, चारों ऑप्शंस को देख लीजिए, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। इससे आपको आइडिया लग जाएगा किस तरीके से क्वेश्चन की फ्रेमिंग हुई है। तो बस इतना ही, और ये पूरा टॉपिक आपको मुझे पूरा विश्वास है धीरे धीरे करके समझ में आया होगा। जहाँ कहीं भी दिक्कत होती है तो एक बार फिर से NCERT देखिए, लेक्चर्स को देखिए, आपके पूरे कॉन्फिडेंस के साथ इस पूरे टॉपिक को पढ़िए, निश्चित रूप से आपको फ़ायदा होगा।